हेलो डियर, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि राजी खुशी होंगे, बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई दी पंडित्स का जो अभी 16वां मॉक हुआ है, यानी कि 17 और 18 अगस्त को। हर सैटरडे और संडे को ये फ्री मॉक होता है। इसके मैथ और रीजनिंग मैं और कमल सर डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो उसके मैथ और रीजनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, उसमें एक तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई को टफ क्वेश्चन हो गया, मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया जो वर्थ डिस्कसिंग है, जो डिस्कस करने के लायक है, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं डिस्कस करके, ठीक है। मान लो हम डिस्कस करें और अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करें, कोई वैल्यू एडिशन ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा, वो टाइम ख़राब ही जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कुल मिलाकर वैल्यू ऐड करने का ध्यान रखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, उससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हों, उससे आपके जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ें, बिकॉज इसी काम के लिए हम मिल रहे हैं, है ना। ओके जी, तो एक तो ये अपना मोटिव होता है। दूसरा अपना मोटिव होता है कि जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है उसे स्ट्रोंग करें, ठीक है। तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसे स्ट्रोंग होगी? नंबर वन तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती क्या है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तो वो वीडियो YouTube के ऊपर इस नाम से और इस थंबनेल के साथ आपको मिल जाएगी। आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना, ताकि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मैं जो भी बात करूं, जब भी मैं स्कीपिंग की बात करूं, मार्क एंड रिव्यू की बात करूं, ठीक है, अटेम्प्ट करने की बात करूं, ऐसे बात करूं कि इस राउंड में कर लेना, इस राउंड में कर लेना, तो आप चीज़ें समझ पाओ, ठीक है। भले ही इसको तेज स्पीड पर करके देख लेना, बट एक बार देख लेना। और प्लस सिर्फ इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, पेपर से जस्ट पहले देखने से कुछ नहीं होगा। एक बार में आप चीज़ें नहीं सीखते हो, चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, फिर हम उसे एनालाइज़ करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर कुछ गड़बड़ी होती है, 100% अप्लाई नहीं होती। ऐसे धीरे धीरे करके ये चीज़ें सीखी जाती हैं। तो इन मॉक्स के ऊपर हम ये अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, ठीक। ओके, और आपके स्टेप्स क्या होंगे ताकि चीज़ें फ्रूटफुल हों, वाकई में फ़ायदा हो? पहला स्टेप है कि आपने मॉक को अटेम्प्ट करना है। अब मॉक को कहाँ से अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना टेलीग्राम चैनल है इवन कोचिंग सेंटर का, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही ये मॉक लाइव होता है हम आपको ऐसे लिंक दे देते हैं कि भाई जो मॉक है दीपंडित्स वाला वो लाइव हो गया है, इसे आप अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ से आप अटेम्प्ट कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पर उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जो डिस्कशन की वीडियो है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंटेंट, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने करना क्या है, उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना है। आपको इस मॉक का टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा जैसे ही आप मॉक को सबमिट करोगे, ठीक है। मैं भी उस टेक्स्ट सॉल्यूशन को देखता हूँ, क्यों देखता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि अच्छा आप इस स्टेज पर पहुँच चुके हो, अब मैं जो भी डिस्कस करूँगा मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो टेक्स्ट सॉल्यूशन के अलावा हों, ठीक है। जो चीज़ें टेक्स्ट, जिस क्वेश्चन में मैं डिट्टो टेक्स्ट सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन देने वाला था आपको, वो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता कि, तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपने ये दोनों स्टेप जो हैं ये फॉलो कर लिए हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है, बार बार बतानी ज़रूरी है, वो अपनी रैंक को चेक करते रहते हैं कि मैं कौन सी रैंक पर हूँ, ये मत चेक किया करो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट बिल्कुल जब पूरा ख़त्म हो जाए तब डिस्कस करो, नहीं तो कोई सॉल्यूशन देख के दोबारा से अटेम्प्ट कर देगा। अरे जिसको ऐसे गलत तरीके से अटेम्प्ट करना है वो साथ में गूगल खोल के जीके के सारे क्वेश्चन कर देगा, तीन दोस्त मिलके कर लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे फ्रॉड बंदे मिलते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। तो उसके कारण हम अपनी जो एफिशिएंट तरीका है पढ़ाई का उसे नहीं बदल सकते। आपको पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए ताकि मेरी जो डिस्कशन रहेगी वो फ्रूटफुल हो, सेम चीज़ें मैं ना डिस्कस करूँ, आप सेम पेज पर हों आप और मैं, ठीक है। आपने हमेशा खुद से कंपेयर करना है, ये बात बहुत ही क्लीशेड है, क्लीशेड यानी कि बार बार आपको हर जगह सुनने को मिलेगी, खुद से कंपेयर करो, दूसरे से कंपेयर मत करो। मैं इसका मतलब बताता हूँ कि आपके पिछले मॉक्स में आपने एनालाइज, हर मॉक में आप एनालाइज करते हो कि भाई कितना मैं अटेम्प्ट कर सकता था, कितना मैंने अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के कारण गंवा दिया, और कहाँ कहाँ पर मेरी नॉलेज के अंदर कमी है, उसको लिखो, अगले मॉक से पहले उसे पढ़ो,
जहाँ पर वीक एरिया है वहाँ पर सिलेबस को रिवाइज करो, जहाँ पर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में कमी है वहाँ पर सोचो कि अगले मॉक में ऐसे ऐसे करके ठीक करूँगा, अगले मॉक से पहले देखो कि अब की बार ठीक तरीके से अटेम्प्ट करूँगा, है फिर देखो क्या मैं पिछले मॉक से इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, फिर अगले मॉक में देखो क्या मैं हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कौन कौन से गलतियाँ मैंने दोबारा कर दी, इन गलतियों को मैं ध्यान रखूंगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ, दिस इज द वे इम्प्रूव करने का। ठीक है भाई, क्लियर है? आप यही मान लो, मैं हमेशा गेम्स का एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। मान लो बॉक्सिंग है, कोच ने कोई स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो जब साथ जब रिंग में जाएगा बंदा तो सामने से घुसे पड़ेंगे, तो स्ट्रेटेजी दिमाग से निकल जाती है, स्ट्रेटेजी फेल कर देता है बंदा, फिर पिट के आ जाता है, फिर कोच बताता है कि देखिए ये स्ट्रेटेजी हमने सोची थी, है जब तेरे मुंह पे घुसे लगे तो भाई गुस्से में तुमने स्ट्रेटेजी से तुम डेविएट हो गए, तो इसलिए हम बाउट हार गए। ठीक है, तो जब आप मॉक में जाते हो तो जब आपको क्वेश्चन दिखते हैं आप हड़बड़ा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो कर पाते हो, वो नॉर्मल सी बात है। बैठ के फिर सोचेंगे यार ये गलती तो मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम उस गलती को करने से बचेंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा हमारी गलतियां कम होनी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। एक बहुत ही जबरदस्त ये एक बात है, मेरे को पता नहीं किसने कही थी, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, माली चाहे 100 घड़े सींचता है तो ऋतु आएगी, चाहे वो कितने भी घड़े सींच ले ऋतु आएगी तब फल होएगा। तो आपका काम है आप लगे रहो ईमानदारी से, फल अपने आप आएगा, जब उसका टाइम होएगा ना वो आ जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर गोल टू दी प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल। ठीक है, ओके जी। तो एक अपना YouTube के ऊपर बैच चल रहा है भाई, क्विक रिवीजन बैच मैथ और रीजनिंग का है। आप क्या कर सकते हो इस बैच से, आपको क्या फ़ायदा है? इस बैच से आपको ये फ़ायदा है कि कभी भी एग्ज़ाम से पहले अगर आपको अपना सारा सिलेबस रिवाइज करना है तो बहुत ही बेहतरीन वे से आप कर सकते हो। ईवन कोचिंग सेंटर लिखना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, फिर आप होम पर जाओगे तो प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी मैथ के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज, इसके नीचे रीजनिंग की मिलेगी रीजनिंग के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज। जल्दी से जल्दी मोस्ट एफिशिएंट वे में जो रिवीजन हो सकता है वो यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, आपके बेनिफिट की चीज़ है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम मैंने बता ही दिया। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, डूएबल है, लेकिन जहाँ पर भी वैल्यू एडिशन की बात होगी, भले ही क्वेश्चन ईजी हो कैसा भी हो, वैल्यू एड मैं करूँगा। देखो उसने ये बताया कि पी की सैलरी 20% कम है क्यू से, तो क्यू के कंपैरिजन में कुछ कम है, फिर उसने बताया क्यू की सैलरी इज 20% लेस देन आर, आर की सैलरी से क्यू की कम है। कभी कभी क्या होता है एक चेन बन जाती है कि पी की सैलरी क्यू से 20% कम है, क्यू की सैलरी आर से 20% कम है, एक चेन बन गई ना, यहाँ से कंपैरिजन में ये बता दिया, इसके कंपैरिजन में ये बता दिया, तो 20% कम का मतलब होता है 4/5 है, 80/100 यानी कि 4/5 है, इसके कंपैरिजन में ये 4/5 है यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा तो ठीक रहेगा, और इसके कंपैरिजन में ये 4/5 है, तो ये इसका भी 4/5 टाइम करूँगा, इसका भी 4/5 टाइम करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू मान लूँगा जो 2 बार 5 से, 2 बार 4/5 टाइम कर रहे हैं, जो 2 बार 5 से डिवाइड हो यानी कि 25, 25 का 4/5 क्या होएगा, इसका 4/5 करो मन ही मन में, 4/5, 5 5 25, 5 चौके 20, इसका 4/5 क्या होगा, इसको 4/5 गुणा करो, 5 चौके 20, 4 चौके 16, आपको इन तीनों का रेशियो मिल गया। वो बोल रहा है भाई हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, तो ये है भाई साहब 9 ज़्यादा, कितने पर, 16 पर, तो 9/16 गुना में 100 कर दो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है पहले, इस 9 को ऐसे देख लो 8+1, 16 में से 9 देख रहे हैं ना, 8+1 तो 8/16 का मतलब है 50%, 16 का आधा हो गया, और 1/16 मैंने आपको बता रखा है कि 1/8 का आधा होता है, 1/8 तो डेफिनेटली आपको याद होएगी, मान लो 1/16 आप भूल भी जाओ तो 1/8 का हाफ कर लिया करो, 6.25, तो ये है 6.25, तो 56.25%। ठीक है,
अब ये बिल्कुल ही फ्लॉलेस मेथड हो गया, जैसे ये क्वेश्चन आए अगर कोई ऐसे करेगा तो बहुत ही बिल्कुल। बट एग्जाम में मान लो हर एक क्वेश्चन आपको फ्लॉलेस मेथड से नहीं करना है, एग्जाम में 25 में से 17-18 क्वेश्चन आपके अगर आपने अच्छी तैयारी की है अपने आप फ्लॉलेस मेथड से होंगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं ना, वो रिपीटेटिव क्वेश्चन। कई क्वेश्चन सेकंड बेस्ट मेथड से होंगे हैं, कई थर्ड बेस्ट मेथड से होंगे, कई घिस घिस पिट के टाइम देके 3 मिनट तब होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट के लगभग में सारा मॉक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले, एक और बात बता देता हूँ कि ये जो मॉक है ये अपना लेंदी साइड पे है, ये लेंदी मॉक है। अगर किसी को ज़्यादा टाइम लगे हैं, ज़्यादा टाइम लगा है, ज़्यादा मिनट लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए स्टूडेंट, एज एन एवरेज स्टूडेंट, अगर आपको 25 मिनट से ज़्यादा, अगर आपको 30 मिनट भी लग गए हैं, तो मैं यही कहूँगा तो कि कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट में आपने परफॉर्म कर दिया तो बढ़िया है, ठीक है। लेंदी मॉक में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन जब लेंदी होते हैं तो आप हड़बड़ा जाते हो और आप ये सोचते हो यार, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन को छोड़ने लग जाते हो फर्स्ट राउंड में, तो आप ये सोचते हो यार इतने सारे क्वेश्चन को क्यों छोड़ूँ, कर ही देता हूँ भले ही लेंदी हो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब मॉक लेंदी होता है, शिफ्ट डिफिकल्ट होती है, तभी राइट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। ईजी शिफ्ट में इतनी ज़रूरत नहीं होती अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, तभी ज़रूरत है। अभी अपने जब मुश्किल क्वेश्चन बीच में फंसा रखे हों, तभी इजी इजी क्वेश्चन निचोड़ने जरूरी हैं कि पहले इजी कर लूँ बाद में देखूंगा, वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी बाकी स्टूडेंट से। तो जब आपको इन फ्यूचर कभी फील हो कि लेंदी मॉक है, तो आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे, लेंदी क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर देंगे या स्किप कर देंगे। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही नहीं होएगा मेरे से, स्किप कर देंगे, मार्क एंड रिव्यू अगर आपको लग रहा है चांसेस है कि होएगा, ठीक है। इन चीज़ों से तभी रिलेट करोगे जब ये वीडियो देखोगे, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर सर मेरे को अगर ये नज़र ना आए तो देखो मैं आपको बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वो ऐसे चेन देगा भी नहीं, कभी ऐसे बोलेगा पी से ये बड़ा है, आर से ये बड़ा है, फलाना ढिमकाना, 4 बंदे 5 बंदे हर तरह के क्वेश्चन पूछे उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली बोलो पी की सैलरी 20% कम है क्यू से, तो 20% कम ये 100 है तो ये 80 है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है, और क्यू की सैलरी 20% कम आर से, तो अब तो मैं याद ही नहीं कर रहा उसने चेन बनाई है नहीं बनाई, नहीं कर रहा मैं याद, इसकी सैलरी से 20% कम है यानी कि ये 5 है तो ये 4 है, ये अलग रेशियो है ये अलग रेशियो है, तो मर्ज कर लेते हैं, ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दूँ, 4 5 20, 4 4 16, नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा कर दूँ, 5 6 20 तो आ गया, 5 5 25, तो एक स्टेप के बाद आ जाएगा। यहाँ पर फ़ायदा क्या है, हमें याद ही नहीं रखना पड़ रहा चेन है नहीं है फलाना है इस, ये 2 बार 5 से डिवाइड हो कुछ, दी बेस्ट थिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस मेथड में, आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, ठीक। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप ऐसे करने के लायक होने चाहिए, करने के लायक क्वेश्चन है ऐसे करने के लायक होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट डूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैं बाद में करता हूँ, तो मार्क एंड रिव्यू करके सेकंड राउंड में कर सकते हो या फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जिसमें आप कंफर्टेबल हो या क्वेश्चन आपको कितना कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कर रहा है, ठीक है, बट डूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज क्यूबिक क्वार्टेट, यानी कि क्यूबिक को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक तो वर्गमूल एक घन, हाँ घन चौकड़ी, ठीक है। क्वार्टेट का मतलब होता है चौकड़ी, कोई भी 4 चीज़ों का ग्रुप, मेनली मेरे ख्याल सिंगिंग 4 सिंगर हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा मतलब क्या है बताता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है, ट्रिपलेट कि 3 4 5, जहाँ पर हाइपोटेन्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि 3 ऐसे इंटीजर हैं जिनमें 2 इंटीजर का सम, 2 इंटीजर के स्क्वायर का सम तीसरे इंटीजर के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे क्यूबिक क्वार्टेट, ये मैंने ही नाम दिया इसका, आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कर क्या रहा है, बार बार कुछ वैल्यूज़ को वो यूज़ कर रहा है, एक तो 3 4 5 6 वाली वैल्यू को यूज़ कर रहा है और एक 1 6 8 9 वाली वैल्यू को यूज़ कर रहा है, तो आप इनको रटोगे कैसे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर ये है कि 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब बार बार यूज़ कर रहा है, और 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, कर क्या रहा है 3 4 5 के मल्टीपल ले लेगा, यहाँ पर डबल ले लिया, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10,
इनके मल्टीपल ले लेगा, इनके 3 गुना कर लेगा। तो इन 4 में से अगर आपको कोई भी 3 वैल्यू पता हो, उसने बता दिया ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 5 होएगा। 4 में से कोई भी 3 बताएगा, जैसे यहाँ पर उसने 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन किन किन के ऊपर बनाता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन बनाता है सफियर, 3 सफियर को पिघला कर एक चौथा सफियर बना लेगा, और 3 क्यूब को पिघला कर एक चौथा क्यूब बना लेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर वो कुछ ऐसी चीजें यूज कर ले, सर इनसे बाहर क्या वैल्यूज यूज नहीं कर सकता, कर सकता है, फिर तो सब लोग क्यूब करेंगे ना, बट वो ये चीजें अगर यूज करे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा 3 का डबल 4, और आप इनको रटोगे कैसे, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बस उससे एक अगला कंजिक्यूटिव नंबर जोड़ दो। इसको मैंने कैसे रट रखा है, 1 और 8 का सम 9 है, और 3 का 1 मल्टीपल होता है 9, तो उससे पहले वाला मल्टीपल 6 है, वो बीच में आएगा, बस रट रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया, अच्छा यार 3, 4, 5 के डबल हैं, तो 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, 5 का डबल 10 है, तो जो नया क्या पिघला रहा है, ये सॉलिड सफियर पिघलाए हैं, तो जो नया सफियर बनेगा उसका रेडियस 12 होगा, ओके। अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज डिमिनिशन, डिमिनिशन ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना कम हो गया, कितनी कमी आई है सरफेस एरिया में, कंपेयर टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द 3 सफियर। इन 3 सफियर का कुछ सरफेस एरिया था, पिघला के ये बना दिया, तो कितनी कमी आई है, तो सरफेस एरिया में कमी पूछ रहा है। मैं सिर्फ साइड्स का एक बार रेशियो निकाल लूँ, मतलब इनके रेडियस का रेशियो, रेडियस का रेशियो तो ये है, तो अगर रेडियस का ये रेशियो है तो सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा। रेडियस एक 1 डायमेंशनल चीज़ है, सरफेस एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज़ है, ओके। तो उसका रेशियो हो जाएगा 9:16:25:36। इन तीनों का सरफेस एरिया कितना था भाई, इन तीनों का सरफेस एरिया था 50। 50 से कितना कम हो गया, सर 14 कम हो गया, तो 100 से कितना कम हो गया, सर 28, 28% की कमी आ, 50 से कोई चीज़ घट के 36 हो गई, यानी कि 28% कम हो गई। तो ये दोनों चौकड़ी क्वार्टेट ये याद रखोगे, अपने नोट्स में लिख लेना, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ये आप इजीली कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन भी इजीली डूएबल है, ये नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है तो ये होएगा नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करके कर लोगे, बट कर लोगे। अब तक मैं इसको डूएबल मान रहा हूँ, हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करने का है। एक बार फिर से रिवाइज, छोटी सी बात बता दूंगा फिर से, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, क्यों उसको शांति से रीड करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, शांति से रीड करने का यही मतलब होता है। उसके बाद हमने एक डिसीजन लेना होता है, क्या डिसीजन लेना होता है, अगर आपको लग रहा है अरे तेरा भाई ये क्वेश्चन तो कर लेगा है, ये तो साफ उस वाले पैटर्न, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसे आप अटेम्प्ट कर दोगे। किसी क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा है कि यार हो तो जाएगा बट टाइम ले लेगा, या फिर हो जाएगा बट फिलहाल नहीं पता कैसे होएगा, बट मेरे को लग रहा है हो जाएगा, आपको फील हो रहा है, तो हम मार्क एंड रिव्यू करेंगे। जब भी ऐसा मामला हो कि आपको लग रहा है कि हो जाएगा ये बट कम टाइम में नहीं हो रहा, या तो सोचना पड़ेगा या फिर मुझे पता है कैसे होगा बट ज़्यादा टाइम लेगा, यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन है जो हो भी जा रहे हैं और टाइम भी कम ले रहे हैं, यहाँ पे वो वाले जो आपको लग रहा है हो जाएंगे, बाद में नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लग रहा है हो जाएंगे बट लग रहा है कि यार टाइम ले लेंगे या फिर मेरे को अभी अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है पता नहीं कैसे होगा तो उसको हम स्किप करेंगे, इसको मार्क एंड रिव्यू करेंगे, ताकि 3 कलर में कोड हो जाए अपना सब्जेक्ट, फिर सेकंड राउंड में हम इनको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करना ठीक रहेगा, और मैं जो बताऊंगा उससे थोड़ा ऊपर नीचे आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, डूएबल है, ये भी डूएबल है, बट एक बार करके बता देता हूँ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ पर तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे ए प्लस बी वाला, ठीक है, 20 + 10 माइनस में 20 × 10/100, ठीक है, 20 और 10 कितना हो गया, 30 - 2, 28% का डिस्काउंट है यहाँ पर, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट है। जब भी चीज़ें फ्री मिलती है तो आप ये देखो, आप घर पे 4 चीज़ें फ्री लेकर गए, आप ऐसे इमेजिन करो, आप दुकान पर गए, आपने 8 खरीदी और 4 फ्री ले गए, और आपको निकालना है डिस्काउंट, तो ये बताओ डिस्काउंट क्या होता है, जितने रुपये तुड़वा लिए दुकानदार से, तो आप फ्री में कितना माल लेकर गए, कितना माल लेकर गए जिसका रुपया नहीं दिया, सर 4, और टोटल माल कितना लेकर गए, सर 8 और 4 = 12, 8 तो आपने खरीदे, 4 फ्री मिल गए, तो आपको 4 का डिस्काउंट मिला है 12 पर 1 दिन, 33.33। ऐसे ही यहाँ पर फ्री ले गए 6 लेकिन टोटल है 15,
3 × 2 = 6 3 × 5 = 6 तो गुणा में 100 करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिला, हाईएस्ट डिस्काउंट ये है। और कई बार वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर उसने रखा है ए पर थर्ड दे दिया, उसने डी पर फोर्थ दे दिया, वो कई बार क्या करता है आगे पीछे दे देगा, ध्यान रखना है इसीलिए मिस्टेक ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, डुएबल है भाई, आना चाहिए आपको, आना चाहिए टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही। देख लो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आना चाहिए बट एक बार मैं करवा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे सर इनका एलसीएम, यानी कि 10 और 3 = 30, 30 छोटे से छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। मैं बोलूँ छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड होके 2 रिमाइंडर छोड़ता है, तो आप बोलोगे सर छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाता है वो इनका एलसीएम है, अगर 2 रिमाइंडर छुड़वाना है तो एलसीएम में 2 जोड़ दो, क्योंकि 30 इन सबसे जुड़ता है, 30 इन सबसे डिवाइड होता है। यहाँ पर भी सेम काम है, बट एक काम क्या हो गया, वो बोल रहा है कि छोटे से छोटा नंबर जो 19, 20 और 25 से डिवाइड होके 4, 5 और 10 रिमाइंडर दे रहा है। देखो यहाँ पर बोला था 2, 3 और 10 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो यार सब में 2 रिमाइंडर दे, 2 तो वैसे क्यों देगा 2 से डिवाइड होके, जो भी है यार 1 मान लो 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो सबसे डिवाइड होके 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो सबसे डिवाइड होने वाले छोटे छोटे नंबर में 1 जोड़ दिया, ये इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि सेम रिमाइंडर था। सर यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग है, तो अगर कोई नंबर 19 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे, या फिर 19 में से 4 को घटाओ -15 रिमाइंडर दे, भाई 8 से डिवाइड होकर, या फिर 19 से ही मान लेते हैं, 19 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 19 से डिवाइड होके एक नंबर है 80, 19 × 76 4 रिमाइंडर दे रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे करूं कि 19 × 5 = 95 घटाते हैं ना यहाँ पे, तो माइनस का 15 दे दिया ना रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके मल्टीपल से कितना दूर है। यहाँ पर एक नंबर है, है ये 19 के किसी मल्टीपल से 4 दूर है। रिमाइंडर क्या है कि 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है कि 19 के मल्टीपल से कितनी दूर है, सर 4 दूर है, लेकिन 19 के अगले मल्टीपल से 15 कम भी तो है, नेगेटिव रिमाइंडर वो होता है जब हमने अगले मल्टीपल के कंपेरिजन में बता दिया उससे 15 कम है, क्योंकि 19 के 2 मल्टीपल के बीच में 19 का गैप होएगा। तो गाइज ये नंबर 19 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे रहा था या फिर -15, 20 से डिवाइड होके 5 या फिर -15, 25 से डिवाइड होके 10 या फिर -15, तो आ तो गया सेम रिमाइंडर, जैसे ऊपर सेम था ऐसे यहाँ पर सेम है, अब की बार नेगेटिव वाला सेम है, तो जब रिमाइंडर अलग अलग हो तो ऐसे एक बार देख लिया करो, नेगेटिव रिमाइंडर सेम आएगा, यानी कि इन सब का एलसीएम लूंगा और 15 घटा दूंगा, रिमाइंडर जोड़ना होता है -15 जोड़ दूंगा या 15 घटा दूंगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट बताया मैंने आपको, ये पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम लूं भाई, एलसीएम लूंगा सबसे पहले उठाऊंगा 25 को, 20 के अंदर है 5 और 4, तो 5 यहाँ पर ऑलरेडी एक 4 उठा लिया, 19 के अंदर तो भैया एक 19 है, तो 2500 एलसीएम आ गया 1900, उसमें से 15 घटा दूंगा तो ये हो गया 1885। एग्जाम में ऐसे लिखना था आपको, ठीक। तो जो नंबर है एक्स वो आ गया, वाई इज द एच एफ ऑफ दीज नंबर, वाई एच एफ इन नंबर का, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन है, तो मैं काट रहा हूँ 8 मेरे को दिख रहा है, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 32, 8 × 6 = 48, या 3, 4 और 6 में कुछ कॉमन है, तीनों में, ये मतलब बोलना 4 और 6 में, तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो बड़े से बड़ा कॉमन 8 है, यानी कि वाई इज इक्वल टू 8, ठीक। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एक्स क्यूब, एक्स में से वाई का क्यूब घटा दो, तो 8 का क्यूब 512, 5 में से 2 = 3, 8 में 1 = 7, 1373। क्या डुएबल है, डुएबल है क्योंकि रिपीटेटिव है अपने सिलेबस में, है सीधा सिलेबस में, चलो सारा ही है, मतलब रिपीटेटिव है, बार बार आता है, डुएबल होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी डुएबल है, एल्जेब्रा में बार बार ये सिचुएशन आती है। आपको ये पता है अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूंगा तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो आएगा 4ab। तो यहाँ पर आपको देखो x इंटू वाई, ये ए बी एक्स इंटू वाई मिल रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, ये वाला चीज़ मिल रहा है।
तो अगर मैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ दूं, तो इसका होल स्क्वायर क्या है 13, उसका होल स्क्वायर क्या है 11, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन मुझे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ट्वाइस चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये तो उसका ट्वाइस है, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 12, 24/2, 12। अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दूं तो 4xy आएगा, तो 4xy की वैल्यू देख लेते हैं, 4xy आएगा, क्या है 4xy की वैल्यू, इसका स्क्वायर 13 में से घटा दूंगा उसका स्क्वायर 11, यानी कि 2, लेकिन मुझे तो xy चाहिए जो कि होएगा 1/2। ठीक है भाई, ये लो 1/2, 2 6 12, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू। ये चीज़ें इतनी साफ आपके दिमाग में कब होएगी, जब आप एल्जेब्रा को, एल्जेब्रा के फॉर्मूलेज को लैंग्वेज में याद करोगे, जैसे मैं याद करवाता हूँ, तो आपको लिखने नहीं पड़ेंगे फॉर्मूले, आप सिंपली ये लिखते और कर देते, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत काम मेंटली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लोगे, इज इक्वेशन एंड डूएबल है, वैल्यू ही याद होनी चाहिए, कोस 0 कोस 45 डूएबल है, इजीली है, लेकिन इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और सिली मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर शांति और कामनेस, आपका जो दिमाग है उसी का यूज करोगे पेपर में, तो जब आप हड़बड़ी करते हो तो आपका दिमाग जो कंप्यूटर है वो अपनी एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाता, एक ही हथियार है जो आप एग्जाम में लेकर जा रहे हो, उसी को आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो हड़बड़ी के कारण, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, है ना। तो हमें आज ही मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे काम होकर हम मॉक टेस्ट को दें, सही स्ट्रेटजी अपनाएं, राइट टाइम पर सही डिसीजन ले, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है तो अपना दिल ज़्यादा ना घबराए, हैं, आपको पता है दोबारा मौका मिल जाएगा। और अपनी एक सुपर पावर को याद रखें, आपके पास एक सुपर पावर है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको 100% स्कोर नहीं करना, तो अगर 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएं डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे और ज़्यादा छोड़ने वाले हैं अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है, तो उससे क्वेश्चन छोड़ते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके जी, तो ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, वैसे डूएबल है ये, टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी हो जाएगा, बट बार बार ऐसे क्वेश्चन आए तो इजी वे कैसे रहेगा इसको करने का, देखो। आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर, तो बॉयज 40% मोर है, यानी कि गर्ल्स अगर 100 हैं तो बॉयज 140 हैं, यानी कि गर्ल्स 5 हैं तो बॉयज 7 है। देखो जैसे ही 40% याद आया मुझे याद आ गया 2/5, तो आपको परसेंटेज की वो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, यानी कि 5 से 2 ज़्यादा है, 100 और 140 ना करना पड़े, करना भी पड़ रहा था कोई नहीं, मेंटली कर लो। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 30% मोर, तो अगर बॉयज़ का स्कोर 100 है तो गर्ल्स का 130 है, यानी कि 10 है तो 13। अब यहाँ पर कई बच्चे 10 और 13 लिख देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है जल्दबाजी विल कॉस्ट यू, ठीक है, तो हम थोड़ा सा शांति से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये भी मैंने रेशियो लिया था, ये भी मैंने रेशियो लिया है, ठीक है, तो या फिर इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, मैं रेशियो लेके भी कर सकता था, उससे भी बता दूंगा। चलो इसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया कि भाई बॉयज़ की एवरेज 10x है तो गर्ल्स की 13x है, तो उसने बोला ओवरऑल एवरेज तो 63 है, ओवरऑल एवरेज तो 63 है, ओवरऑल ये बंदे कितने हैं, 7 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं, तो 12 बंदे हैं, ओवरऑल सम कितना हो गया, 12 बंदे हैं, उनकी एवरेज 63 है, तो 12 × 63, पहले उसको लिख, चलो इसी को लिख लेते हैं, 12 × 63, ठीक है जी। बॉयज़ का सम कितना हो गया 7 × 10 70x, गर्ल्स का सम कितना हो गया 13 × 5 65x, ठीक है, ये कितना हो गया 135x, एक्स की वैल्यू क्या होगी बटे में 135 कर लो, पेपर में ऐसे ही कर लोगे ना समझ जाओगे ना एक्स की वैल्यू है, ठीक है जी। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 13x, इसको यहीं पर मैंने 13 गुणा कर दिया, बस ये उत्तर है अपना, सोल्व ही करना है बस। 9 × 7 = 63, 9 से जाएगा 15 पर 3 × 5 = 15, 3 × 12, ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो नीचे बन जाएगा 10, तो पॉइंट लगा दूंगा, तो 7 × 28 = 56, 13 × 6 = 78, 7 × 13 = 65 और 7 = 72, 72.8, डन। इसके अलावा मैं क्या बोल रहा था कि इसको रेशियो मान के भी कर सकते हो, देखते हैं वैसे भी करते हैं। देखो आपने ये भी रेशियो मान लिया और ये भी रेशियो मान लिया, ठीक है, हमने दोनों जगह रेशियो ले लिया, तो यहाँ पर अब एवरेज कितनी आएगी, अब एवरेज आएगी कि देखो बॉयज़ का सम हो जाएगा 7 × 10 70, गर्ल्स का सम हो जाएगा 5 × 13 65,
और टोटल बंदे हैं 7 और 5 12 बटे में 12, 135 बटे में 12, ये एवरेज आ गई। तो ये एवरेज आई है जब हमने रेशियो लिया है। देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मैटर नहीं करता, वेटेड एवरेज में अगर आपको ध्यान हो, इनका रेशियो मैटर नहीं करता, इन चीज़ों का रेशियो चल जाता है, इसका रेशियो नहीं चलता। आपने इसका भी रेशियो ले लिया तो जो रियल चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ गुणा होंगी। रेशियो के हिसाब से हमारी एवरेज इतनी है, लेकिन रियल चीज़ों के हिसाब से हमारी एवरेज इतनी है, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है। और वो बोल रहा है 13 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो इतने यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 63/135/12, और 13 यूनिट की वैल्यू आएगी गुणा में 13, ये उत्तर है। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे। अब जब आप मॉक दे रहे हो ना, जब आप मॉक दे रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो मॉक से। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके कई सारे जो कंसेप्ट जो आपको ऑलरेडी आते हैं उनके अंदर क्लैरिटी भी आएगी। बार बार सेम चीज़ें करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि जब मैं फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहा था तभी इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं आई। फर्स्ट टाइम भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, बट रिपीटेशन से और क्लैरिटी आती ही है, तो वो आएगी। ठीक है, चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। ये पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमें लग रहा है कि भैया आप, अगर आपको पता है कि कैसे करना है, क्योंकि अभी फिक्स पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो आप देखोगे कि यार मैं अभी दिमाग नहीं लगाना चाहता, हमें देख कर ही पता लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो आप मार्क एंड रिव्यू कर दो। अगर आपको ये भी पता है ना क्वेश्चन कैसे करना है, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो, बाद में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है ये वो वाला क्वेश्चन है इजिकल टू के करके हम करते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है यार मेरे को तो आइडिया ही नहीं है क्या क्या दे दिया ये क्या परोस दिया, स्किप कर दो। तो आप क्या करोगे दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। आपका दिमाग बोल रहा है मैं कर लूंगा बट बाद में दिमाग लगाऊंगा, दिस इज द वे। जैसा आप फील करते हो उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट करोगे, वैसा आपका डिसीजन होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है मार्क एंड्रू का, इससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना मेरे ख्याल। ये दिखती है आपको ऐसे स्लाइड, चलो एटलीस्ट ये तो दिखेगा हमने मार्क एंड रिव्यू कछू ना करो। ठीक, तो हम इसे मार्क एंड रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए कर दूं मार्क एंड रिव्यू ताकि आपको ये भी रियलाइज हो जाए कि हाँ यार। तो ऐसे ब्लू कर दूंगा मैं, जिसके ऊपर भी कोई भी डिसीजन लूंगा। ये ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, अब ये भी एक रिपीटेटिव पैटर्न है, आपको आना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, आज मैं आपको ऐसी क्लैरिटी दूंगा यहाँ पर कि इसके बाद आप लाइक बता दोगे सीधा उत्तर, अभी बता दोगे। देखो एक दूसरा वो ले लें एग्जाम्पल ताकि इसको हम अटेम्प्ट कर पाएँ कि एक बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है विदाउट स्टॉपेजेस। ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, वो रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है, लेकिन वो बीच बीच में रुकी है, उसने कुछ स्टॉप्स लिए हैं, तो विद स्टॉपेजेज। फिर उसकी एवरेज स्पीड देखी तो वो निकली 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो कितनी देर के लिए रुकती है, सारा यहाँ का खेल है। मतलब हमें लिखना कुछ भी नहीं है, ध्यान से मेरी बात को समझो। एक्चुअल में स्पीड क्या होती है, क्या विद स्टॉपेजेज होती है या विद स्टॉपेजेस, विदाउट स्टॉपेजेस। मेरी, मैं किस स्पीड पे भाग सकता हूँ, एक्चुअल स्पीड देखनी है, या बस किस स्पीड पे चला रहा है ड्राइवर, मान लो यूनिफॉर्म स्पीड पे चला रहा है तो कब देखेंगे। स्टॉपेज को इंक्लूड करके, इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड देखनी है, सिर्फ इस बस की क्या कैपेसिटी है भागने की, तो विदाउट स्टॉपेजेस देखेंगे कि अगर इसको भागने दिया जाए तो कितनी दूर तक भागेगा, ये देखना हमने। तो वो तो ये है, दिस इज द रियल स्पीड। ये स्पीड तो तब हो गई जब बीच बीच में रुका, इस स्पीड पे बस चलती नहीं, वो रुकने के कारण जो टाइम वेस्ट हुआ है वो भी हमने इंक्लूड कर लिया, और वो यही पूछ रहा है कि रुकने के कारण कितना टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो मतलब रियल में बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है, अगर उसको 1 घंटे छोड़ें तो वो 60 किलोमीटर चली जाएगी, बट वो रुकी तो कितनी जा पाई, वो 40 किलोमीटर ही जा पाई। कितने किलोमीटर कम गई, 20 किलोमीटर। तो वो कितनी देर के लिए रुकी, जितनी देर में वो 20 किलोमीटर जा सकती थी। आपको क्या निकालना है, टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
कितनी देर के लिए रुकी वो, जितनी देर में वो 20 किलोमीटर जा सकती थी, और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, खत्म। ये उत्तर सीधा पेपर में हम ये लिखेंगे, उसमें ऐसे ही लिखेंगे। अभी देखना ये टाइम आ गया किसमें, आर्स में आ गया, 1/3 आर्स। अगर मिनट्स में करोगे तो 20 मिनट। जैसे इसको देखते हैं कि उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर, जब वो रुकती नहीं, रुकती है तो 80 किलोमीटर। तो आपको बताया यार रुकेगी नहीं तो 120 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन रुकी इस कारण 80 जा पाई, यानी कि उतनी देर रुकी जितनी देर वो 40 किलोमीटर चल सकती थी। 120 - 80 40 किलोमीटर चली जाती। तो 40 किलोमीटर कितनी देर में जाती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो रियल स्पीड है उससे। ये तो रुक रुक के वाले, रियल स्पीड तो ये है जब खुला छोड़ दोगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर 120 की स्पीड से, ये है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो बोल रहा है कि यार मुझे तो मिनट में चाहिए, यही पूछ रहा है क्या, व्हाट इज एवरेज स्टॉपेज पर आर। अच्छा उत्तर है मिनट में, तो गुणा में 60 कर दो, 60 × 2 = 20 पर, सिर्फ इतना लिखेंगे हम, 20 मिनट, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे से क्वेश्चन ड्यूएबल होगा, कम टाइम में ड्यूएबल होगा, क्वेश्चन देखते ही मुस्कुराओगे कि हाँ बढ़िया भाई, अभी निपटा डालते हैं, आगे बढ़े। ड्यूएबल क्वेश्चन मानू क्योंकि रिपीटेटिव पैटर्न है, और इसके लिए कुछ क्या आपको चीज़ें रटनी है नहीं रटनी है, वहां पर तुरंत दिमाग लगाओगे कि यार बिना रुके तो 120 जाएगी, रुक के 80 जा रही है, यानी कि इतनी देर रुकी कि 40 जा सकती थी, तो 40 कितनी देर में जा सकती है, तो 40 तो एक डिस्टेंस है, स्पीड मेरे पास है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। आगे बढ़ जाएं, एक रिपीटेटिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमें पता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो कि हाँ ये टाइम लेगा, तो व्हाट वी विल डू, हम मार्क एंड रिव्यू कर देंगे, हम मार्क एंड रिव्यू कर देंगे कि बेटा बाद में देखते हैं तेरे को। अब देखो जब आप इसको मार्क एंड रिव्यू कर रहे हो तो कई बच्चों को लगेगा कि भाई क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन एक दूसरी दूसरा पहलू देखो, क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले इसको करने का, ये क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम में होगा, क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले, ऐसे 3 क्वेश्चन करने का, जितने में ऐसा एक करोगे ऐसे 3 कर दोगे, तो वाइज कौन, जो ऐसे 3 कर रहा है वो या जो ऐसा एक कर रहा है, नंबर तो सेम ही मिल रहे हैं क्वेश्चन को, इस वक्त स्किप करने वाला वाइज हुआ या नहीं, यही तो सोच रहे हैं कि फ्री के नंबर ना चले जाए हमारे, तैयारी की है हमने। जैसे उसका आगे ये क्वेश्चन है, इजीली डूएबल है, टैक्स सॉल्यूशन से आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये मैं करवा देता हूँ भाई, हो सकता है ना कि कई बंदे एक स्टेप में ना करें, मैं एक स्टेप में करवा देता हूँ। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने एनरोल्ड हैं, बायोलॉजी में कितने एनरोल्ड हैं उसकी ये परसेंटेज दे रखी है, ठीक है जी, और फिर रेशियो दे रखा है मेल टू फीमेल का, ठीक है जी। वो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट वो ऑप्टेड इन बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड डी, तो बी में बायोलॉजी में जो फीमेल हैं और डी में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो बी में कितने स्टूडेंट हैं सर, 400, उस 400 का 36% ने बायोलॉजी ली, ठीक है, तो इसका 36% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी में भी मैं ऐसे ही लिखूंगा कि 80 का 18%, लाइक सेम ट्रीट कर रहा हूँ ना दोनों को। और उसने बोला यहाँ पर मेल टू फीमेल, तो फीमेल है 7, 12 में से 7, 7 और 5 12, तो इसका 7/12, नीचे फीमेल है 9 और 3 12, 12 में से 9, यानी कि इसका 9/12, इसको सॉल्व करो उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े, ये एक ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे कि हाँ यार मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट को ये लगेगा कि पता नहीं कैसे होएगा, जब आप देखोगे फर्स्ट टाइम में कि यार पता नहीं कैसे होएगा, तो हम इस वक्त क्या करेंगे, ऐसे ही आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, वी विल स्किप इट, देखेंगे कि नहीं है, फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल स्किप इट। अब दो स्टूडेंट हैं अपने सामने, एक तो जो इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक हैं जो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये जीतेगा ही जीतेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता जीतने से, क्योंकि टाइम ये भी देगा इस क्वेश्चन को, बट ये तब देगा जब ये 20 क्वेश्चन कर चुका है, जब ये 21 क्वेश्चन कर चुका है, एक लेवल पर ये स्कोर कर चुका है। अब ये रिलैक्स भी होगा कि अरे इतने तो हो गए, 22 तो हो गए, 3 ही बचे हैं, इनमें से 2 भी हो जाए तो 24 हो गए, एक भी हो जाए तो 22 हो गए, एक भी हो जाए तो 23 हो गए, तो समझ रहे हो, क्लियर, आगे बढ़ जाए, बाद में करेंगे इनको।
हाँ, तो ये भी एक रिपीटेटिव पैटर्न है, आपको पैटर्न बता देता हूँ। आपने ये देखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक लाइन खींच दूँ, हैं, तो आपको ये पता है क्या कि बी डी का स्क्वायर इजिकल टू डी ए इंटू डी सी, बी डी का स्क्वायर इजिकल टू डी ए इंटू डी सी। ये मैं क्यों लेकर आया, मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ये करेगा, कोई भी एक पोल पकड़ेगा, उससे बोलेगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, बोले तो थीटा डैश। पोल हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है, तो ये थीटा है तो ये क्या हो गया सर, ये 90 माइनस थीटा, थीटा 90 ईस्ट एंगल में, ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया थीटा, तो ये सेम सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई, ये भी तो 90 बन गया थीटा और 90 माइनस थीटा से, तो ये सेम सिचुएशन बन गई। तो हमें पता है कि पोल की जो हाइट है मान लो वो एच है, और यहाँ से एक का डिस्टेंस है भाई साहब डी वन, और एक का डिस्टेंस है डी टू। तो अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, दो राइट एंगल, दो राइट ऐसे छोड़ो, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है जी, क्लियर है, और इसमें ये एक साइड कॉमन है ऐसे, तो जो कॉमन वाली साइड है एच, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन इंटू डी टू, बाकी दो साइड का प्रोडक्ट, हाइपोटेन्यूज को कैंसिल आउट मारो। तो तीन साइडें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज मैंने कैंसिल आउट मारा, इन्वॉल्व नहीं है, तो अब दो साइडें बच गई, उनमें से एक कॉमन है, बाकी दो साइडों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो कॉमन है उसका स्क्वायर। अब इसी चीज को वो कैसे कैसे दे सकता है, बोलेगा ये पोल है, इसका यहां से डिस्टेंस है ए, यहां से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से डिस्टेंस है बी, और इन दोनों का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी। आप बोलोगे जी हाँ सर बनी, कॉमन साइड कौन सी है, ये वाली एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ये चीज़ें बार बार आ रही है इसलिए याद करवा रहा हूँ, मैं हमेशा रिलेवेंट चीज़ें याद करवाता हूँ, और इस तरीके से याद करवाऊंगा आप भूलोगे नहीं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे दे कि दो पोल हैं सेम हाइट के हैं, बीच में उनके कोई पॉइंट है, इन दोनों पोल से या फिर इस पॉइंट से दोनों पोल का जो हमने देखा एंगल वो निकला कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना भाई, दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, उनकी एक साइड क्या है, एक साइड कॉमन है, यहाँ पर वो चिपकी हुई थी, यहां पर मैंने उखाड़ के ऐसे पलट दिए बस, है तो एक साइड की लंबाई सेम, तो जो बाकी दूसरी साइड है ए और बी जिनकी लंबाई है एच स्क्वायर इजिकल टू ए इंटू बी, ठीक है, क्लियर है, इजीली इसको प्रूव किया जा सकता है, मैंने यहां से रिलेट कर दिया, बार बार आपको तुरंत ही आप मन में ही इसको डिराइव कर लोगे भूल भी गए तो यहां पर अब उसने क्या किया, व्हाट दिस गाय हैज डन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, एक टावर है उसके टॉप का पॉइंट, एक तो पॉइंट ए से और एक पॉइंट बी से, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ ए और एक तरफ बी ले लो, या दोनों तरफ ए और बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बताया नहीं है स्पेसिफिकली, बताया क्या नहीं बताया उसने, है ना, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर एंड एक्स प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ऑफ हाइट 6, टावर की हाइट 6 है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, उसने इनको कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, तो सेम सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई, तो इस 6 का स्क्वायर 36 है इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5, दो ऐसे नंबर जिनमें 5 का गैप है, तो 9 चौके 36, ये 4 है ये 9 है, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमेशा मार्क करने से पहले क्या देखना है कि क्या पूछा है, एक्स पूछा है या कुछ एक्स बटे 2 पूछ लिया या एक्स प्लस 5 पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एक्स ही पूछा है, तो यानी कि आंसर इसका टू ऑप्शन है, तो मैं इसको डूएबल में रखूंगा, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बहुत सारा टाइम लग रहा है आज इसको डिस्कस करने में, लेंदी था ये भाई, आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, हम क्या करेंगे इसको, जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार कर ही लेंगे बट टाइम इसमें लगेगा, जी हाँ, तो मार्क एंड रिव्यू करेंगे, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पता नहीं यार कैसे होएगा तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आपने उसको राइट डिसीजन ये नहीं है कि आपने मार्क एंड रिव्यू किया या स्किप किया, राइट डिसीजन ये है कि आपकी नॉलेज और प्रैक्टिस के हिसाब से आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं, ये क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, या फिर मैं ये भी मान लेता हूं कि कुछ बच्चे इसको स्किप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो इसको तो कई तरीकों से किया जा सकता है, डूएबल है भाई, दो तरीके से बता देता हूं यहां पर, इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क
मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिल्क जो है वो पानी की क्वांटिटी के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, द सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क, 90% मिल्क होना चाहिए। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज वी यूनिट, देन हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडिड, बोल रहा है इस सोल्यूशन में कितना दूध ऐड करें। ओके जी, तो यहां पर दूध कितना है, यहां पर दूध है 2/3, 3 में से 2, और जो हम ऐड कर रहे हैं ये तो है ये सॉल्यूशन, जो हम ऐड कर रहे हैं वो है प्योर दूध, तो इसके अंदर दूध कितना है फ्रैक्शन में, 1, 100%। और फाइनली दूध कितना होना चाहिए, 9/10 होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों को 3 और 10 नीचे दिक्कत दे रहे हैं, तीनों को 30 से गुणा कर दो, 3 और 10 कैल्शियम से 30 से, तो 30 से गुणा करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो ये 3 यूनिट एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये 7 यूनिट। अगर ये वाला सॉल्यूशन 3 यूनिट है तो जो दूध ऐड करना है वो 7 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू है वी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वी बटे 3, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा में 7, दिस इज द उत्तर, ठीक। दूसरे तरीके से करें, उसने बोला है कि जो मिल्क है वो वाटर के कंपेरिजन में डबल है, ठीक है जी। उसने बोला कितना दूध ऐड करूँ कि रेशियो हो जाए, ताकि मिल्क हो जाए 90%, यानी कि रेशियो हो जाए 90:10, यानी कि 9:10, 9:1। यहाँ पर तो वाटर सेम है 1 और 1, अगर ये सेम नहीं होता तो भी हम सेम करते, अगर ये 2 और ये 3 होता तो ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से, यानी कि ऊपर वाले को नीचे वाले रेशियो से, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करता मैं, वाटर को सेम करता। क्यों सर? क्योंकि हमने जो ऐड किया है वो प्योर मिल्क ऐड किया है, मैंने जो ऐड किया है वो प्योर मिल्क ऐड किया है, मैंने पानी ऐड ही नहीं किया। पहले पानी की जो क्वांटिटी थी बाद में भी उतनी ही रहनी चाहिए, पानी तो उतना ही है जितना पहले था, बस है दूध हमने ऐड कर दिया। तो रेशियो के अंदर दूध कितना है सर? 7 है, 2 में 7 जुड़ने पर 9 आया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कितना ऐड करूं, अगर फिलहाल जो मिक्सर है उसकी वैल्यू है V, तो फिलहाल जो मिक्सर है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 + 1 = 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू है V, तो 7 की कितनी होगी, 3 यूनिट की वैल्यू V है तो 1 यूनिट की इतनी, 7 की इतनी, ठीक है। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाए, डुएबल मान लू ये क्वेश्चन, आप टाइम टेकिंग बोल सकते हो, मान लो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इतना तो पता है कि हैं कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन ही तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मार्कंडेय, और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन डुएबल है, जैसे मॉक में बताया था वैसे ही है, मॉक में बोल रहा हूँ जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन में है वैसे ही कर लो, को उसको कॉमन ले लो, कर लोगे इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। दो तरीके से बता दूंगा, एटलीस्ट एक तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो आगे से पक्का कर लोगे। देखो नंबर वन, अगर आपको, देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ज़्यादा या कम होता है, प्लस पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट जितना ज़्यादा है, लॉस परसेंट जितना कम होता है सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस से डिस्काउंट परसेंटेज जितना कम होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि 100+P% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100-D% ऑफ मार्केट प्राइस, इसमें से डी परसेंट घटाऊंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, इसमें पी परसेंट जोड़ दिया तो ये आएगा, तो कुल मिलाकर ये सेलिंग प्राइस है, 100+P% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस, 100-D% ऑफ मार्केट प्राइस इज सेलिंग प्राइस, मैंने सेलिंग प्राइस को किया है कंपेयर। तो कॉस्ट प्राइस बाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अगर MP को इधर ले आऊँ तो 100-डिस्काउंट और ये हो जाएगा 100+P, या फिर आप ऐसे मान लो 100-L, लॉस हो तो 100-L। तो कभी भी प्रॉफिट या लॉस दिया हो और डिस्काउंट दिया हो तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, ये पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस के सामने होएगा 100-डिस्काउंट, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर लेते हैं वो कॉस्ट प्राइस के सामने आएगा, और प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं वो मार्केट प्राइस के सामने आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, कि मार्केट प्राइस के ऊपर लेते हैं ना डिस्काउंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस वाला लिखो, या तो प्रॉफिट हुआ तो 100% प्रॉफिट, हो सकता है लॉस हुआ हो तो 100-लॉस, नीचे हम लिखेंगे 100-डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा घटाना होता है, प्रॉफिट जोड़ना होता है, लॉस घटाना होता है, तो आप देख लोगे।
जो चीज़ कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है वो ऊपर लिखोगे एमपी के सामने, जो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है वो कॉस्ट प्राइस के सामने। ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, बार बार यूज़ होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या निकलेगा, प्रॉफिट है 45, तो 100 प्लस 45 145, डिस्काउंट है 45, 100 माइनस 45 55। अगर मार्केट प्राइस ये हो, कॉस्ट प्राइस ये है, अगर मार्केट प्राइस क्या, मार्केट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। अब वो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट 50% का दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना फायदा हो, कितना नुकसान हो, ये किसके रेशियो से पता चलता है? सर ये पता लगता है इनके रेशियो से। तो भैया मार्केट प्राइस आपको पता है? हाँ जी सर, 145 है। तो अगर आप 50% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस ये होगा, सेलिंग प्राइस। अगर आप 30% देते हैं तो इसको मैं 7/10 से गुणा करता, ये सेलिंग प्राइस है, ये जो लिखा हुआ है, इसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दूंगा, तो बस यही फ्रैक्शन बता देगी। वैसे एग्जाम में मैं यहीं पे करता, ऐसे हाफ कर देता यहीं पे, मैं इसी को एसपी बना देता, अलग से नहीं लिखता, अभी समझा रहा हूँ बस। तो 7 का फायदा 22 पर, यही है क्या? तो 100 से गुणा कर रहा हूँ भाई, है 2 से काटूंगा 11, 2 से काटूंगा 50, 350/11, 11 3 33, 11 1 11, 31 9 ये हूँ क्या मैं, 11 3 33, 2 बज के 11, हाँ 31 9/11। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप हमेशा, जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन देखा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि सैलरी से इतने परसेंट है, इससे इतना कम है, तीन चीज़ें हैं उनके बीच में परसेंटेज का रिलेशन बता रखा है। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तीन वैल्यूज हैं, उनके बीच में परसेंटेज का कुछ रेशियो होता है। भाई उसने प्रॉफिट बताया तो मुझे पता है कि इससे 45% ज़्यादा है ये, यानी कि ये 100 है तो ये 145 है। उसने बोला डिस्काउंट है भाई 45% का, यानी कि ये 100 है तो ये 55 है। एक यहाँ पर मुझे इनका रेशियो पता है, यहाँ पर इनका रेशियो पता है, वैसे तो 5 से काट लूँ, एक बार सिंप्लीफाई कर लूँ। अब ऊपर वाले रेशियो से नीचे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 200 और 9 9 2 11 319, 11 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 29 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो 29 से करूँगा तो यही आएगा 29 × 10 580। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है तो मार्केट प्राइस है। वो बोल रहा है 50% डिस्काउंट दूँ, तो अगर 50% दोगे तो तुम इतने में बेचोगे भाई, ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, निकाल लो फिर से। ठीक है, नीचे है 400, 180 का फायदा है 200 पर, कछु ना कछु गड़बड़ कर डाले, 220, 11 से गुणा होगा 220। तो आप समझ गए, डूएबल क्वेश्चन, आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे भी किया है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, कई क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन बेस्ट मेथड से नहीं करोगे तो कोई नहीं, बट हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए तो मॉक को एनालाइज कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट डूएबल क्वेश्चन है भाई, छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम डूएबल क्वेश्चन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन में भी सेम मेथड गिवन है, वहाँ से देख लेना। डूएबल क्वेश्चन है बट ये मैं आपको करवा देता हूँ फिर भी, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें फ्रैक्शन में है। देखो अगर चीज़ें फ्रैक्शन में हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, शांति से कर लेना, कई बार तेज करने के चक्कर में गड़बड़ी करते हैं बच्चे। देखो पाइप एल लेती है 3/2 घंटे, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अगर मान लो यहीं पर होते 10 और 15 तो मैं बोलता ही नहीं कि 10 और 15 को लिखो, मैं बोलता सीधा 30 LCM लो, डिवाइड करो, बट फ्रैक्शन है, मेंटली करेंगे गड़बड़ हो सकती है, लिख लो। और एम ले रहा है 4 × 8/1 9/4 घंटे, तो इनका एलसीएम होएगा, ऊपर वालों का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम है 9, और नीचे वालों का एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ है 2। हाँ हमेशा यहाँ पर एलसीएम लेना जरूरी नहीं होता, एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो, ताकि कैलकुलेशन छोटी हो। आप 9/2 ले लो या एलसीएम का कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो, 9/2 को 2 गुणा करोगे तो 9 आया, 18 ले लो, 27 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप 9/2 भी ले सकते हो, लेकिन आपका दिल करे तो आप 9 ले लो, 18 ले लो, क्योंकि 9/2 खुद एक फ्रैक्शन है। मैं नहीं चाहता मैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करूं, इसलिए मैंने 9 ले लिया। ठीक है, समझ गया ना मैंने क्यों लिया। ओके, अब इसको मैं 3/2 से डिवाइड करूंगा तो 3/2 9 3 2 6 यूनिट, इसको 9/4 से डिवाइड करूंगा तो 4 यूनिट, L 6 यूनिट भरती है, M 4 यूनिट भरती है, टोटल कैपेसिटी है 9 यूनिट।
आधे घंटे के बाद एम रुक गई, तो दोनों चल रही थी, तो 6 और 4 10 यूनिट भर रही थी, 1 घंटे में 10 यूनिट भरेंगी, आधे घंटे में 10 × 1/2 5 यूनिट भरी होंगी, 4 यूनिट बची हुई है यही हुआ ना। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर एल, तो 4 यूनिट बची हैं, 6 मिनट भरने वाली, इतना घंटा लेगी, इतने घंटे, 4 यूनिट बची हैं, तो वो मिनट में बोल रहा है तो 60 से गुणा कर दो भाई, 40 मिनट लगेंगे। ठीक, क्लियर है। अब हाँ, एक और काम था, अब आपने करना क्या है, वो बाकी क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है, या फिर बाकी क्वेश्चन करने के बाद। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर करंट नॉलेज, और या फिर ऑफ योर करंट नॉलेज एंड प्रैक्टिस, हाउ मच परसेंट ऑफ योर करंट नॉलेज यू स्कोर्ड इज द एफिशिएंसी ऑफ योर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब बताता हूँ कि आपकी फिलहाल जो नॉलेज है ना, जितनी आपने प्रैक्टिस करी है, सिलेबस को बार बार कर लिया, यानी कि जितने क्वेश्चन आपको इन 25 में से आते थे, मान लो आपको इस 25 में से 23 क्वेश्चन आते थे, 20 मान लेते हैं ताकि परसेंटेज निकलाए, मान लो आपको 20 आते थे, 20 आप कर सकते थे, डुएबल थे कि हाँ यार ये हो जाते, और आपने करे उसमें से 15 ही, तो यानी कि 5 × 15, 5 × 20 गुणा में 100, यानी कि 75% जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका 75% ही आप कर पाए, आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अभी 75% एफिशिएंसी पे चल रही है, आप रियल में जितने कर सकते थे उससे कम कर रहे हो। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बढ़िया होने का मतलब है मैं 22 कर सकता था, मैं 22 कराया, बस खत्म, और इससे ज़्यादा क्या करोगे, बट उतना भी नहीं करते हैं लोग, वो 22 करने वाले होते हैं, कैपेबिलिटी 22 की है, करके 18 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, क्यों। तो आपने कमेंट करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने जो राइट अटेम्प्ट किए हैं, कई बच्चे जिन्होंने सिली मिस्टेक की है कि अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई, ये तो मैं कर सकता था, उसे भी जोड़ देंगे, गुस्से मारूंगा मैं, क्यों जोड़ दोगे उसे, तुमने किया तो नहीं ना राइट, कर सकते थे क्यों नहीं किया, इसका मतलब नहीं कर सकते थे, आपने वो डेवलप ही नहीं किया स्ट्रेंथ, जो आपको आता है उसे भी ठीक करने की डेवलप नहीं किया आपने स्ट्रेंथ, अभी कैपेबिलिटी नहीं डेवलप की है तो नहीं कर सकते थे आप। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने वाकई में राइट अटेम्प्ट किए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, हो सकता है कि आप 23 अटेम्प्ट कर सकते थे और आपने 19 किए हैं, ये जो गैप होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी और कितनी इंप्रूव करनी बाकी है। ठीक, तो हम देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन हैं जो सबको कर लेने चाहिए थे इस शिफ्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू और स्किप वगैरह किया है, उनके लिए टाइम बचता, बट फिर भी देख लेते हैं, मरे से मरे, एक ये कर रखा भाई ब्लू, ये देख लेना आप, एक वो कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 20 क्वेश्चन सबको करने चाहिए थे ना, मिनिमम 20 सबको करने चाहिए थे, उन 5 को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अभी टाइम बचेगा तो उन 5 में से 2 तो करोगे, तो 22 कर लेते हैं आप। ठीक, अब हम करते हैं, अब मैं धड़ाधड़ इनके सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहला ये था, तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं भाई, 9x = 5y, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपकी कितनी प्रैक्टिस है उसके बेस पर आप उस उन चीज़ों को मेंटली कर सकते हो, बट मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि एफिशिएंट हों चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं इन चीज़ों को k के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पर मैं निकाल पाऊँगा 9, अगर 9x की वैल्यू k है तो दोनों तरफ मैं पावर कर देता हूँ 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 9 = k/1/x। ऐसे करते हैं ना कि x² = 16, तो x = √16, या x² = 5, तो x² = 5/2, तो दोनों तरफ पावर हाफ कर दी हमने, 1/2 कर दी, तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ पावर 1/x कर दी है। ऐसे ही आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 5y = k, देयरफॉर 5 = k/1/y, एंड 75 की पावर z = k, तो 75 की वैल्यू है k/1/z। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालनी होती है कि 2 की गुणा करके 3 आ जाए या कुछ बन जाए, तो 9 और 5 के बीच में ऐसी क्या रिलेशन है कि 75 आ जाए, क्या रिलेशन है 9, 5 और 75 में, मैं क्या कर सकता हूँ ये आप दिमाग लगाओगे, तो आप ये सोच सकते हो कि यार ये 15 × 3 = 75 है, या फिर 25 × 3 = 75 है,
अब मजा आ गया, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 2 कर दूं और 3 की पावर 1 कर दूं। यहां पर है 3 की पावर 2, ये क्या है, ये है 3 की पावर 2, तो मैं दोनों तरफ पावर को हाफ कर रहा हूं। यहां से मुझे मिलेगा, ये तो 3 की पावर 2 है तो हाफ करूंगा 3 आ जाएगी, और k की पावर 1/2x, भाई दोनों तरफ पावर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू तो आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये करने वाला हूं, ये जो 75 है मैं ऐसे लिखने वाला हूं कि 25 × 3 = 75। तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 3 की और 25 की, 75 की वैल्यू मेरे पास है, मैं 3 और 25 की निकाल रहा हूं, 3 की मैंने निकाल दी, 25 होता है 5 की पावर 2, तो दोनों तरफ पावर को मैं डबल कर दूंगा, तो 5 की पावर 2 इजिकल टू के की पावर 2/y, डबल कर दी पावर, तो मुझे 25 की वैल्यू मिल गई। हाँ ये रही 5 की पावर 2, यानी कि दिस 25। अब 25 की वैल्यू क्या है, के की पावर 2y गुणा में 3 की पावर है, 3 की वैल्यू है के की पावर 1/2x। एक्चुअल में एग्जाम में हमने इतना लिखते नहीं, हमें पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ, अगला स्टेप लिखते हैं क्या, डायरेक्टली ये लिखते हैं कि 2/y प्लस 1/2x इजिकल टू 1/z, ठीक। तो क्या बन जाएगा, उसने क्या बोल रखा भाई ने, उसने z की वैल्यू दे रखी है कि भाई z की ये वाली वैल्यू है, तो मैं z की वैल्यू निकालूं, यहाँ पर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x plus y इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू 1/z, z इज इक्वल टू 2xy अपॉन 4x plus y। तो z की ऊपर 2xy है, कंपेयर करते हैं y प्लस 4x, y प्लस kx, यानी कि k की वैल्यू है 4, सीधा उत्तर मार देते हैं 4 और अपनी की हुई मेहनत पे पानी फेर देते हैं, बढ़िया रहेगा ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 25 क्वेश्चन हैं, उनमें से 4-5 क्वेश्चन के अंदर वो पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन में पक्का एक्स इन्वॉल्व होगा, या आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, या वो चीज़ों का रेशियो पूछेगा, है प्लेन ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे जिनमें वो रेडियस या डायमीटर पूछ लेगा, है डायमीटर पूछ लेगा रेडियस की जगह। तो आपको क्या लगता है कि जिस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांस हैं, आप उसी में अवेयर रहोगे कि हाँ इसमें है, या आपको सारे में अवेयर रहना पड़ेगा, रोड पे वहीं पर अवेयर रहोगे गाड़ी चलाते हुए जहां पर एक्सीडेंट आपका होने वाला है, या पूरे रोड पर अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, हमें तो जब तक चला रहे हैं तब तक अवेयर होना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी एक्स वैक्स जेड के ए आर कुछ भी निकालना है, मार्क करने से पहले हम देखेंगे, जब भी दो चीज़ों का रेशियो पूछा है हम ये देखेंगे कि ए इज टू बी पूछा है या बी इज टू ए, ठीक है, ठीक है, था 4:5, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, ओके। तो के की पावर 1/k, यानी कि 4 की पावर 1/4, 4 होता है 2 की पावर 2 की पावर 1/4, यानी कि 2 की पावर हाफ, यानी कि रूट, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिली मिस्टेक मेरे को लग रहा है काफ़ी बच्चों ने की होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अपने क्वेश्चंस को सीखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, आपने मार्क एंड रिव्यू किया, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि भाई आप इसको करते चलो मॉक में, बट आप इसको करते भाई, ठीक है, इसको आप कर लेते बाद में जो आपको टाइम मिला, क्योंकि एक रिपीटेटिव पैटर्न है, ये हो जाता, अब करते हैं इसको। तो ये वो वाला पैटर्न है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ध्यान रहे ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक, ओके। यहाँ पर ये पूरा ए है, ये पूरा है ए, इसको अटेम्प्ट करने का छोटा तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये छोटा नहीं मतलब कि दिमाग पर कम स्ट्रेस वाला और कम गलती होने वाला, ठीक, और ठीक ठाक टाइम में होने वाला, पहली बार में ठीक होने वाला और कम टाइम में होने वाला और दिमाग पर स्ट्रेस भी कम हो, यूनिवर्सल, ठीक। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको ए प्लस बी, इनको जोड़ के देख लो, देखो इस पूरे ए का क्यूब है, पूरे बी का क्यूब है, एक्स प्लस टू एक्स 3x, ये रहा 3x, 2y माइनस वाई वाई, तो 3x प्लस वाई, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए प्लस बी को, इसको आगे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या है, ये पूरा है ए, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए भी आएगा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूं, इस ए का स्क्वायर मैं मेंटली थोड़ी करूंगा, ये मैं मेंटली भी आपको बता सकता हूं, बट नोट ऊपर लिखने से फास्ट हो गए,
और एक्यूरेसी आएगी। तो मैं ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी को, तो मैं ये लिख रहा हूँ लिटरली। तो ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। नीचे मैं लिखूंगा बी का स्क्वायर, बी क्या है ये है, तो मैं लिखूंगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। ठीक है, आगे मैं लिखूंगा ए बी, साइन को छोड़ दो, ए बी यानी कि दिस इंटू दिस, तो एक्स इंटू टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर। एक्स मुझे कब मिलेगा, जब मैं एक्स वाले से एक्स को गुणा करूंगा। वाई कब मिलेगा, जब वाई वाले को वाई से, और साइन का भी ध्यान रख लो माइनस टू वाई स्क्वायर, इनको गुणा करते हुए रखो गई साइन का ध्यान, इस साइन को बाद में देखेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे इस साइन का, सिली मिस्टेक होगी, टू वाई स्क्वायर। और एक्स इंटू वाई कब मिलेगा, जब एक्स वाले को वाई वाले से यानी कि माइनस का एक्स वाई, और वाई वाले को एक्स वाले से यानी कि प्लस का फोर एक्स वाई। तो ये क्या हो गया, प्लस का तीन एक्स वाई, लिटरली आप साइड में लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, अब मैं देखूंगा यार ये जो ए बी था, मैंने तो ए इंटू बी लिखा है, ये साइन भी बदलना है, तो बदल दिया भाई, बदल दिया ब्रदर। अब देखते हैं, चार और एक पाँच में से दो गए तीन एक्स स्क्वायर, चार और एक पाँच और दो सेवन वाई स्क्वायर, चार से चार कट गया तो माइनस का तीन एक्स वाई। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे, अब मैं ये निकाल चुका हूँ सोल्व करके, ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू है तीन, बी वाई स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू है जी सात, और प्लस सी एक्स वाई यानी कि सी की वैल्यू है साइन के साथ लोगे माइनस तीन। आप पूछ रहे थ्री ए यानी कि तीन तीन नौ, माइनस में बी, माइनस में सात, और माइनस में सी, तो साइन को बदलूंगा प्लस का तीन। और कामान यार ये क्या है, रेशियो हिंदी में गलती दे रखा, ए प्लस बी प्लस सी, तो सात, तीन से माइनस तीन कट जाएगा नीचे आ जाएगा सात, नौ और तीन बारह में से सात गए पाँच, पाँच बटे सात। हाँ, अब आपको ये लग रहा है कि सर इसमें तो ये इतना सा लिखना पड़ रहा है, एक तो सबसे पहले तो ये देखो लिखना कितना पड़ रहा है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी लिखना चाहते हो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में, जितनी ये अफवाह फैला रखी है ना, इतना टाइम है, इतना टाइम है, एक घंटा मिलता है यार, उसमें से मैथ के लिए 25 मिनट और अगर डिफिकल्ट शिफ्ट हो तो 30 मिनट आपको निकालनी है। एक चीज़ डिफिकल्ट आए तो दूसरी ईजी आती है, अगर दो सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो गए तो वो बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम अटैम्प्ट करने पर काम चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग नेचर के पेपर मैंने क्लियर किए हैं, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना पड़ेगा और इतना टाइम मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, बाकी ये देख लो कितना लिखा है, ये हम शांति से करेंगे, तो इसको मैंने डूएबल मान लिया कि बाद में जो टाइम मिला उसमें हम कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं जी, ये स्किप कर दिया था हमने तो इसको मैं स्किप ही मान लेता हूँ, इसको मैं दो तरीके से करके बता देता हूँ, बट मैं ये नहीं मानूंगा कि आप पेपर में ये करके आते, फिर देखते कितना स्कोर रहता है एक डिसेंट तैयारी से। उसने बोला डी ई इज इक्वल टू सिक्स, ये डी ई जो है ये छः है, और ई एफ इज इक्वल टू टू, ये टू है। एक तो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिला है वो बता देता हूँ, और एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक, हमें पता है कि ए बी और सी डी ये डायमीटर हैं, ओके जी, तो डायमीटर जो है वो 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस, तो मैं ट्विस्टेड बोल के आपको कराता हूँ। ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल मिल जाए, अगर ये भी एक्स डिग्री है ये भी एक्स डिग्री है, तो ये दो ट्रायंगल छोटी वाली और ये बड़े वाली सिमिलर हो गई। अगर आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाए तो हम करते हैं दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। अगर सेम एंगल ऐसे इक्वल मिले तो सेम के नीचे सेम, अगर हमें ऐसे उल्टा मिल रहा है तो हम करते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। पूरा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस, तो यहाँ पर भी 90 है वहाँ पर भी 90 है, तो सिमिलर ट्रायंगल ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस आ गया। ओके जी, वैल्यूज रख लें। उसने क्या पूछा, फाइंड द एरिया, एरिया के लिए रेडियस चाहिए या आर स्क्वायर चाहिए, ये आर है, ये भी आर है, और क्या क्या है आर। ठीक है जी, तो देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी कि आर डिवाइडेड बाय एट इज इक्वल टू ये वाली साइड छः, ये वाली डिवाइडेड बाय ये वाली साइड टू आर। ठीक है, दो टी एच है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आठ थी 24, वो पूछ रहा है एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 पाई। बेस्ट मेथड ये रहेगा क्वेश्चन को करने का इसको। ठीक है, बट एक और मेथड बताऊंगा जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। चलिए जी, तो एक और मेथड बता देता हूँ जल्दी से।
उसने बता रखा है ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी टेंजेंट सिकेंट थ्योरम से, कि कहीं पर भी दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो अंदर इंटरसेक्ट करें, मान लो पी पर, इस कॉर्ड के जो हिस्से बचे हैं दो, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू दूसरी कॉर्ड के जो दो हिस्से हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अगर कॉर्ड दोनों अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, तो उनके जो दो हिस्से हैं उनका प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक। ऐसे ही ये एक कॉर्ड है ये, और ये भी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दो हिस्सों का प्रोडक्ट है 6 × 12, तो इसके भी इन दो हिस्सों का प्रोडक्ट 6 × 12 होगा। तो ये मैंने मान लिया आर, ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है रेडियस, तो मुझे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इसमें हाइपोटेन्यूज 6 है। अगर मुझे ये मिल जाए, कोई भी एक साइड अगर मुझे मिल जाए, तो तीसरी साइड तो आ ही जाती है राइट एंगल ट्रायंगल में, दो साइड मिल गई तो पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया है कुछ भी एक्स मान लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन ये पूरा तो आर होना था, तो ये हो गया आर माइनस एक्स, क्लियर। ओके सर, तो अब देखो 6 × 2 = 12 इज इक्वल टू, ये पूरा कितना हो गया आर प्लस एक्स, ये पूरा, ये वाला हिस्सा सर आर प्लस एक्स, और ये वाला हिस्सा कितना हो गया आर माइनस एक्स। तो इन दो हिस्सों का प्रोडक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी हाँ सर, और मुझे एक और बात पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे इतना पता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाँ जी सर। अब आपको एक बात पता है कि कभी भी दो चीज़ों का सम दे दे, ये सिचुएशन बार बार आती है, और उन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस दे दे, कुछ भी दे दे वो, तो माइनस के बाद वाली चीज़ होएगी इन दोनों का डिफरेंस बटे में दो, माइनस के पहले वाली होएगी इन दोनों का सम बटे में दो। तो हमें माइनस के पहले वाली चाहिए, तो इन दोनों का सम हो गया 48/2, 24, तो पाई आर स्क्वायर 24 पाई, ठीक। बट फिर भी मैं ये इमेजिन कर, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने, चलो ये आप ये नहीं अटेम्प्ट करते, रियल शिफ्ट होती है तो पेपर में। आगे बढ़ते हैं जी, मार्क एंड्रयू, ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि आप नहीं करते, वैसे टाइम होगा तो ये कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट। अब इन इन सारे क्वेश्चन में तो एक तो अज्यूम कर लूँ कि ये आप कर लेते हैं, तो मैंने ये अज्यूम किया है कि आप 2 कर लेते तो आप 22 कर लेते, 20 क्वेश्चन करके 2 का भी टाइम निकाल लेते तो, और अगर आप 22 कर लेते तो इस शिफ्ट के हिसाब से ठीक रहता, स्कोर नॉर्मलाइज होता और आपको काफ़ी फायदा मिलता, ठीक। करें लेट एक्स बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1782 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, 1782 इसका एक फैक्टर है, तो 1782 को भी तोड़ना पड़ेगा और उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 9 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 9 से तोड़ देते हैं, 9 × 9, मैं ओवर गेट खोल दूँ भाई, नौ एकम नौ, 9 × 81, 9 × 8 = 72, ये भी 9 से हो रहा है, 9 × 18, 9 × 18 ये है 2 × 11, तो 3 ये मैं, अब मैं इसके कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 3² सॉरी 3^4 इंटू में 11। अब मैं कर रहा हूँ 5808 के प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे कट रहा है 8 × 5 = 13 और 8 इस 3 से, वैसे 8 से कट ही रहा है तो 8 से काट लेते हैं, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 8 × 6 = 48, फिर भी 2 से कट रही है, और 3 से भी कट रहा है, 3 से 6 से काट लेता हूँ, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6 ये हो गया 11 का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पर एक 2 है ना और एक 3 है, और यहाँ पर 3 2 हैं, 2^4 इंटू 3 × 11 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद जो मैं काम करूंगा उसके बाद आपको लिखना पड़े उसके लिए तो भी सही है, ना लिखना पड़े तो भी सही है, टू बी श्योर हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रहा है कि 58 मतलब इसकी पावर एक्स कर दूं तो ये जो है ये इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर यानी कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 5808 की क्या पावर कर दूँ, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा। मैं अगर आप किसी का एग्जाम में बैठूंगा तो मैं दोबारा लिखूंगा ताकि मेरे से गलती ना हो जाए, ताकि इसको डिवाइड करना है इससे, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर काम चल जाएगा,
हमें नीचे वाले नंबर को फैक्टर बनाना है ऊपर वाले नंबर का। हमें करना क्या है, इसकी कुछ पावर चढ़ानी है ताकि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला डिवाइड कर दे। ठीक है, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को देखो, 11 में कोई प्रॉब्लम है, ऊपर 2 11 हैं, तो 11 तो 11 को डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 को भूल जाओ, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी सर कर दो रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। 3 में ही है प्रॉब्लम, ऊपर 3 की अगर मैं पावर 2 कर दूंगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगी तो भी डिवाइड नहीं होएगा, नीचे 4 बार 3 है, ऊपर 1 बार 3, तो मिनिमम इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी ताकि 3 की पावर 4 हो जाए, बाकी तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहे हैं, तो मिनिमम पावर जो हमने चढ़ानी है वो है 4, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ओके जी, अब वो क्या कर रहा है, आगे क्या बोल रहा है, इफ वाई इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, इसकी पावर ऊपर एक्स है भाई, क्या आपके मॉक में ऐसी आएगी थी क्या, मेरे पास जो थी पीपीटी उसमें ऐसे था, पीपीटी नहीं जो प्रिंट आउट था। ठीक है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है क्या 4, तो 5808 की वैल्यू क्या है ये, तो इसकी पावर 4 में चढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये जो है ये फैक्टर है इसका, तो 1782 को ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको मैं लिख रहा हूं 2 × 3 की पावर × 4, इसको डिवाइड करता है क्योंकि इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड करता है ये इसकी पावर वाई करने पर। ठीक है, क्या डिवाइड करता है, 5808 की पावर 4, एक्स एक्स की वैल्यू 4 आई है तो उसने इसकी पावर 4 चढ़ाकर जो नंबर आया वो डिवाइड कर रहा है इसको। ओके जी, तो इसकी पावर 4 चढ़ाऊंगा तो पावरें 4 गुना हो जाएंगी, पावर 4 गुना तो 2 की पावर 16 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 11 की पावर 2, ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो ऊपर मैं क्या पावर लूँ, तो मुझे बताओ 11 ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, तो 2 और 11 में प्रॉब्लम है। अब देखो अगर मैं इसकी पावर 2 चढ़ा दूँ तो 11 की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी बट 2 की नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, सबको सेटिस्फाई करना है, तो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है ना उसको सेटिस्फाई करो, इसकी पावर 16 चढ़ा दो, उसे क्या होगा, ये 2 की प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये भी हो जाएगी, फिर 11 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रॉब्लम तो सेटिस्फाई होगी, सबकी सेटिस्फाई करनी है, तो वाई की वैल्यू है जी 16। वो क्या बोल रहा है, अंडर रूट में उसने दे रखा है 16 × 32 और 4 = 36, आंसर इज ऑप्शन बी। क्या ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स, जो भी बोल रहा है कि ये तो टाइम टेकिंग नहीं है वो झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो खुद अटेम्प्ट करेगा तो टाइम लेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ जाए, एक ये कर लेते हैं भाई, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्विक रिविजन बैच में भी आई थी वीडियो, उसमें ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, है ना, कि ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रेशियो में, तो मैंने क्या बताया था, अब मान लो वैल्यू क्रिएट कर लो इन्हीं रेट के साथ, फिर रियल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, और क्या बताया था कि जो भी रेशियो हो उसको 100 गुणा कर लेना ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो, तो मैंने इसको मान लिया 400, इसको मान लिया मैंने 500, उसने 400 रुपये लगाए एक स्कीम में, 500 रुपये लगाए अलग स्कीम में, वो बोल रहा है 1.5 साल लगे, है? स्कीम ए ने इंटरेस्ट दिया है 20%, ठीक है, कंपाउंडेड 9 मंथली, अब कंपाउंडेड 9 मंथली है, ठीक है, स्कीम बी ने ऑफर किया है सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, उसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है अगर 1 साल में 20% मिल रहा है, 1.5 साल की बात है, आधे साल में कितना मिलेगा, 1 का 20 है तो आधे साल का 10%, तो 20 और 10 30%, सिंपल इंटरेस्ट में सीधी जोड़ देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो इसका 30% ब्याज मिलेगा, इसका 1% है 5, तो 150 रुपया ब्याज मिलेगा, वो फिर हेरा फेरी में वो बता रहा था, वो इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, जूते देख के बोला था 150 रुपया मिलेगा, ठीक है, तो 150 रुपया मिलेगा यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई साहब 9 महीने की कंपाउंडिंग है, तो 9 महीने का रेट निकालो, 1 साल का रेट है 20%, 12 महीने का रेट है इतना, तो 1 महीने का इतना, 9 महीने का इतना, तो 9 × 20 180 होता है, 12 से डिवाइड करोगे 15, और 9 महीने कितनी बार आ जाते हैं इतने टाइम में, तो भाई साहब ये हो गया 18 महीने, 18 महीने में 9 महीने 2 बार आ जाते हैं, तो 15% का ब्याज 2 बार लगेगा, तो 2 बार 15% को कंपाइल करना आता है, फॉर्मूला बता रखा है आपको, कंबाइन करना आता है क्या, इफेक्टिव रेट, ठीक है, 15 15 30 और 15 15 225, तो 32.25%, मन में ही कर लेंगे, मन में ही कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई।
ओके, तो इसका 1% कितना है? 4। तो इसको जितना भी परसेंट निकालना है उसको 1% से गुणा कर दो। 4 × 32, 32 का डबल 64 का डबल 128, 4 × 0.25, 1 128 और 1 129। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 279 का, और एग्जामिनर बोल रहा है कि इंटरेस्ट लग रहा है इतने का, यानी कि 279 यूनिट की वैल्यू है ये। क्या पूछ रहा है? हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी? स्कीम बी में इन्वेस्ट किए हैं 500 रुपये, तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो इतने यूनिट की वैल्यू वो, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये। और 500 यूनिट की वैल्यू ये। कर लोगे इसको सॉल्व? 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक है जी, अब 31 से डिवाइड करना है। वन फोर 1 0 5, 31 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 11 × 4 = 7, 3 × 2 = 1, 0, 5 6% नहीं, 5 पर जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15, यहाँ पर बच गया जी 15, एक और 5 उतर गया, 155, फिर से 5 पर जाएगा, 455, 455। एक तो 0 हो गया, हाँ जी सर, 5 5 = 25, 2 5 5 = 25 और 2 27, 5 × 20 और 2 22, 22 750। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? ओके जी, तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब मैं एक चीज बोलूं आपको, ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, 20 क्वेश्चन आपने पहले कर लिए थे, हैं? 20 क्वेश्चन हम फर्स्ट गो में करने के थे, यानी कि डूएबल थे। आप इसमें से मान लो 16 भी करोगे फर्स्ट राउंड में, फिर जो सेकंड राउंड होगा उसमें से अगर ये डूएबल है तो कहीं ना कहीं तो कर लोगे आप, बढ़िया तैयारी है तो। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे थे उसमें से भी एक एल्जेब्रा का जो रिपीटेटिव था, और उसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत ही बढ़िया स्कोर है इस शिफ्ट के हिसाब से, 21 भी बढ़िया स्कोर है। मैं ये नहीं बोल रहा हम 21 के लिए स्ट्राइव करेंगे, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट इतने तो करो, फिर वो बाद में टाइम मिलेगा उसमें और ज़्यादा करो, इतना अच्छे से आप मैनेज करते हो उसके ऊपर बात है। सो दैट्स ऑल भाई मैथ के अंदर, इसके आगे रीजनिंग का जो डिस्कशन है वो हम देखते हैं। आपने ये कमेंट जरूर करना है, कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने आप ठीक कर सकते थे, उनके बीच का गैप देखो, वो गैप है जो इसकी इंप्रूवमेंट से सुधरेगा। एक बार में नहीं सुधरेगा, अपने मॉक को एनालाइज करो, लिखो जो गलती अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की है वो लिखो। दो तरह की गलती होती है जब आपके नंबर नहीं आते, तो दो तरह की गलती है, एक तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की और एक आपका वो जो कंसेप्ट वीक है। कंसेप्ट को तो हम पढ़ेंगे ना भाई, रिवीजन करेंगे, और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को लिखेंगे, दोनों चीज़ों को लिखोगे। ये आपने पढ़ना है और ये आपने अगले मॉक से पहले पढ़ना है कि भैया ये गलती नहीं करूँगा, धीरे धीरे आपकी ये गलतियाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग का था आपका, वो डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड था, उम्मीद करता हूँ ये तो हो ही जाते होंगे आपको हर मॉक के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कोडिंग डिकोडिंग, मैंने सभी सेशंस में बोला हुआ है कि जब भी आपको वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में दिखाई दे, हमेशा इसको सेकंड राउंड में जाके ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या था। क्वाइट का कोड गिवन है, बेडरूम का कोड गिवन है, और डिक्शनरी का बताना है। तो पहले तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहता है कि हर लेटर की एक्चुअल पोजिशन वैल्यू को टैकल करना। बट अगर आपको रियलाइजेशन हो रही है यहां पर लेटर्स की, तो देखते ही पता चल रहा है इनकी एक्चुअल पोजीशन वैल्यू लिखने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। 17, 21, 20, यही 3 लेटर्स जो हैं जो पोजीशन वैल्यू का सम 55 से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो लेफ्ट से पोजीशन वैल्यू जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम राइट से टारगेट कर सकते हैं, बट अगर राइट से टारगेट करेंगे तो ध्यान से देखो, अगर हर लेटर की पोजीशन वैल्यू दाएं छोर से लेंगे तो इधर भी लेनी पड़ेगी, बट इधर ही देखो इसका कोड क्या है 42, तो ये 25 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो यही 3 लेटर्स की पोजीशन वैल्यू दाएं ओर से लेंगे तो ये तो 60 से भी ऊपर जा रही है। तो ना तो यहां पर पोजीशन वैल्यू लेफ्ट लेने का फायदा है, ना ही राइट से लेने का फायदा है। अब इनके कोड्स को जज करते हैं। जैसे क्वाइट का कोड कितना है, 30 गिवन है। बेडरूम का कोड कितना गिवन है, हमें 42 गिवन है। इसको एक बार फैक्टराइज कर लो। अगर मैं 30 को स्प्लिट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 × 6। मैं इसे लिखने को 10 × 3 भी बोल सकता हूं, बट मैं 5 × 6 ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको फैक्टर्स या गुणनखंड उसी हिसाब से बनाने हैं कि
कि वो नंबर्स जो हैं आपके दिए गए शब्द के साथ कनेक्ट कर पाए। दिए गए शब्द में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5 हैं, तो मैं उसे 5 या 6 में ही फैक्टराइज करूंगा, 10 × 3 सोचूंगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 को 14 × 3 बोल सकते हो आप, बट 14 × 3 बोलने का मतलब ही नहीं बनता। यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स जितने होंगे उसी के हिसाब से उसका नियर बाय नंबर में स्प्लिट कीजिए। अब इसको क्या बोल सकते हो? 6 × 7 बोल सकते हो। अब यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? 7। 7 × 6 = 42 हो गया। यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5। 5 × 6 कितना हो गया? 30 हो गया। अब आगे किस तरह से स्प्लिट किया जाए? डिक्शनरी में देखा जाए तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं? चेक करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल 6 होगा या 9 होगा, किस तरह से होगा? अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ लेटर्स क्वाइट में 5 थे तो 5 का 6 गुना कर दिया। बेडरूम में नंबर ऑफ लेटर्स 7 थे तो 7 का 6 गुना कर दिया। तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स 10 है तो 10 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ऐसे कॉमन कनेक्शंस निकालने होते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड था। अब यहां पर देखिए, 3 डिजिट की वैल्यू वाले नंबर है, 100 और 100 में डिफरेंस 0 का है, बट 300 और 750 को देखें तो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। मल्टीपल्स बना लेते हैं, इनको गोली मारो। यहां से यहां देखो, 150 से 300 तक जाएं तो डायरेक्टली पता चल रहा है ये 2 गुना है। 300 से 750 तक जाएं तो इसका क्लियरली पता चल रहा है 2.5 गुना है, क्योंकि 300 का 2 गुना कितना हो गया? 600। 600 में और कितना जुड़ रहा है? 150। 150 कहां से आया? 300 का आधा। तो ये 2 गुना है, ये 2.5 गुना है, तो ऑब्वियस ही बात है आगे पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं तो ये 3 गुना होना चाहिए। 750 का 3 गुना करने की बजाय 75 का 3 गुना कर दो। 75 का 3 गुना होता है 225, 0 बाद में लगा देना। और स्नेक्स रेप्टाइल्स मैमल्स, देखो अभी भी बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है इस सिचुएशन में, रिलेशन नहीं बनाने आते हैं। स्नेक्स रेप्टाइल्स और मैमल्स क्या होते हैं? स्नेक्स तो सांप हो गए सर्प, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर, मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी। ठीक है, तो यहां पर जितने भी स्नेक्स होते हैं वो रेंगने वाले जानवर होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेप्टाइल्स। और मैमल्स की कैटेगरी जो है वो अलग है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, वही बात आती है, ये भी सेकंड राउंड में सॉल्व करने वाला है क्योंकि वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है। चलो सॉल्यूशन देख लीजिए। बॉटल का कोड नंबर ऑफ लेटर्स 6 है दिया गया है, सिपर का कोड नंबर ऑफ लेटर्स 6 है, तो कोई भी वर्ड का कोड उठा लीजिए, बॉटल का कोड उठा लेते हैं। तो हमें बॉटल का कोड अवेलेबल है 148। ओके, तो पहला टास्क क्या होता है? हम हर लेटर की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू को यूज कर लेते हैं। 2, 15, 20, 20, 12 और 5। 20 और 20 40 और 20 कितने हो गए? 60 और 14 कितने हो गए? 74, 148। ये देखो क्लियरली पता चल रहा है इसका डबल है, 2 गुना हो गया ना इसका, 74 का डबल 148। अब या तो सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को आपस में जोड़ के उसका डबल ले लिया गया, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी पोजीशन वैल्यू का सम होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विद इन द वर्ड जितने भी नंबर ऑफ वोवल्स हैं। वोवल 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये हम डायरेक्टली उठा लेते हैं बम्पर के कोड से ही जज करके। जैसे ये कितना हो गया? 2, 21, 13, 16, 5 और 18। चलो बात करते हैं, तो नंबर इजी कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे 13 और 2, 15 और 5 कितना हो गया? 20। ऐसे नंबर्स उठाइए जहां से कैलकुलेशंस आसान बने। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 18 और 16 की, ये कितना हो गया? 34 और 1, 35। 35 और 20 कितने हो गए? 55। 55 और 20 कितना हो गया? 75। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 75 का डबल करता हूं 150 गिवन है तो 150 को ही मार्क करना है। अगर मैं नंबर ऑफ वोवल के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो भी 2 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो या तो नंबर ऑफ वोवल्स जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो या एवं ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आफ्टर और आपका रिजल्ट जो है वो 150 ही बनने वाला है यहां पर। क्लियर? और मोर ओवर हमें 75 का कोई मल्टीपल दिखाई भी नहीं दे रहा था। आगे ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा वर्ष है जो एक लीप वर्ष नहीं है, देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर सेम ईयर रिलेटेड। अगर कोई भी वर्ष एक साधारण वर्ष है, अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो मतलब वो साधारण वर्ष है, तो क्या रिलेशन होगा उसी साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन के साथ? तो आपको पता है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी
और आखिरी दिन मतलब के 31 दिसंबर वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थेरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड, ये आपका पिछले साल भी आया था पेपर में, उसकी सेंस थोड़ी डिफरेंट थी, चीजें एक ही हैं। नेक्स्ट, आपको एक शब्द दिया गया है यहां पर, कौन सा, फ्रेम्ड, ये फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने वाले हैं सारे। चलो, बोला क्या क्या है, पहले तो कंडीशन सारी की सारी पढ़ लो। अगर फ्रेम्ड शब्द में हर एक अक्षर को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले लेटर आता है उसको पहले मेंशन करेंगे, फिर उसको बाद में, फिर एंड सो ऑन, तो हमें क्या ज्ञात करना था, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट। कहता है जब आप इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं, किस किस के बीच में जो बाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा और जो दाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा उन दोनों के बीच में। देखो, आपको पूरा वर्ड अरेंज करने की नीड नहीं है, बाईं ओर से दूसरा अक्षर क्लियरली पता चल रहा है कौन आ जाएगा, डी, अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें, ए के बाद डी आता है, डी के बाद ई, ऐसे ही करोगे ना। अब आपको सारे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, दाईं ओर से दूसरा अक्षर चाहिए, दाईं ओर से रिवर्स सीक्वेंस में अगर हम अरेंज करेंगे, सबसे आखिरी में कौन बैठा होगा, आर, आर से पहले यहां पर कौन आ जाएगा, एम। तो ये दो अक्षरों के बीच के नंबर ऑफ लेटर्स निकालने थे आपको, 13 में 4 कम कर दो कितना हो गया 9, बीच के अक्षर कितने आ जाएंगे यहां पर 8, सॉरी इधर माइनस 1 करना पड़ेगा, ये माइनस 1 करना पड़ेगा जब भी आपको बीच के अक्षर ज्ञात करने हो। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, ग्रुप्स बनाने हैं, सीरीज देख लो, बी से शुरू हो रही है और के पे खत्म हो रही है, ये देखो बी दिखाई दे रहा है, ग्रुप बना दो, ये के पे खत्म हो रही है, ग्रुप बना दो, बी और के पे। अब देखो डबल बी से शुरू हो रहा है ना, डबल बी आपको यहां भी दिखाई दिया, इधर ग्रुप क्रिएट कर दो, हर ग्रुप का आखिरी अक्षर क्या है, के, यहां पर के फिल कर दीजिए, हर ग्रुप का देखो चौथा अक्षर कौन सा है, ई, इधर भी ई है तो यहां पर भी ई फिल कर दो, अब ऑप्शन उठा लो, आंसर के एंड में के और ई होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, तो आपका बी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, यहां पर भी ई आएगा, हर ग्रुप का चौथा अक्षर क्या है, ई, तो आंसर का फोर्थ सीक्वेंस वाइज फिलअप क्या होना चाहिए, ई, फोर्थ लेटर ई होना चाहिए था, बट ये एफ गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 एफ गिवन है, फोर्थ लेटर ई होना चाहिए था, इधर सी गिवन है, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ये तो हो गया होगा, एक्स का विपरीत निकालना था, एक्स दोनों में कॉमन है, चेक करो, आपको एक्स के अलावा बाकी सारे फेसेस अवेलेबल हैं, कौन नहीं दिखाई दे रहा, वाई नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए एक्स का विपरीत वाई हो गया, क्योंकि जितने भी फेसेस एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, वो विपरीत तो होता ही नहीं ना, तो यहां पर एच वाई नहीं अवेलेबल तो एक्स को वाई के विपरीत मान लो। नेक्स्ट, ये देखिए, ई को साइड रखो, ई और वाई के बीच में रिलेशन दिखाओगे कितना माइनस करें सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वाई से सीरीज को शुरू कर दो, 25 21 कितने नंबर कम हो गए, 4, 21 15 6 नंबर कम हो गए, 15 11 4 नंबर कम हो गए, ये देखो कॉन्टिन्यूटी बन रही है, 4 नंबर कम हुए फिर 6 नंबर कम हुए फिर 4 कम हुए फिर 6 नंबर कम कर दो, अगर 11 में 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 का मतलब लेटर कौन सा आएगा, ई, फिर से देखो यहां पर 4 नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस था। नेक्स्ट, पहले तो ये क्वेश्चन जज करेंगे ये रो वाइज होगा या कॉलम वाइज, क्लियरली पता चल रहा है, रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक क्लू मिल रहा है आपको कि जो तीसरी संख्या है वो 5 का मल्टीपल है, अगर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 5 2 10 8 5 40, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 6 5 30, ये कितना आ जाएगा, 24, सिंपल सा फंडा है। अब यहां से 28 कैसे क्रिएट होगा, 19 और 9 28 होते हैं, 17 और 9 26 होते हैं, तो 5 में क्या जोड़ूं कि 24 बन जाए, 5 में जोड़ेंगे 19, खत्म बात, सिंपल था ये भी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन करिए जी सॉल्व, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 6, पहली इंफॉर्मेशन, कहता टी जो है वो भाई है किसका, पी के पति का, पी का पति डिफाइन कर दिया, उसका आगे भाई कौन है, टी, टी इज द ब्रदर ऑफ पी इज हस्बैंड, आगे यू इज द मदर ऑफ टी, अगर यू टी की मदर है तो इसकी भी तो मदर ही बनेगी क्योंकि ये दोनों आपस में भाई 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 हैं, सिबलिंग्स हैं, जो मर्जी बोलिए, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी, क्यू जो है वो एस और पी की डॉटर है, अगर क्यू एस और पी की डॉटर है तो एस और पी कौन होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और क्यू जो है वो आर की ग्रैंड डॉटर है, मतलब आर जो है वो क्यू का क्या लगा, ग्रैंड फादर लगा,
तो हमें क्या बताना था, आर का संबंध टी से क्या है, तो आर जो है वो टी के ब्रदर का फादर इन लॉ है। ओके, टी के ब्रदर, अरे टी का फादर ही है, फादर इन लॉ कहां से हो गया, ये इसी की तो माँ है। सॉरी, आर जो है वो टी का क्या लगा यहां पर, फादर लगा। सिंपल सा केस, ये इधर को जाके बन रहा था ना, तो मुझे लगा फादर इन लॉ बन गया, फादर ही होगा नॉर्मली। चलो भाई, ये तो हो गया होगा, नॉन वर्बल नहीं करवाता मैं, जो लगेगा टफ है मैं खुद ही करवा दूंगा। चलिए, यहां पर अब बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, लेटर और नंबर दोनों को मिला के। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स के ऊपर जज कर सकते हो क्या चीजें आएंगी। 26 है या 31 है, कितने नंबर बढ़ गए, 5 नंबर बढ़ गए। 47 है, इधर 58 है, कितने नंबर बढ़ गए, 11 नंबर बढ़ गए। कैसे जज करोगे, ये 5 नंबर बढ़ रहे हैं फिर 11 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर इन बिटवीन अगर हम नंबर्स को जज करें, ये 5 और 11 क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हैं, बट 5 के बाद और 11 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं, 7 और 9। तो स्टेप बाय स्टेप यही डिफरेंस हो सकता है, बट प्राइम नंबर्स का भी तो हो सकता है, बट 5 के बाद देखें तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। बस हमें दो डिफरेंसेस चाहिए इनमें और इनके बीच में, तो वो दो डिफरेंसेस कौन कौन से होंगे, 7 और 9 का होगा। इधर 7 नंबर बनेंगे, इधर 9 नंबर बनेंगे। 31 में 7 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, 38। आपका ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट, पहले अक्षर से आंसर आ जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 11, इधर कितना है 16 और ये कितना है 20। ये देखो 16 से 20 चार नंबर बढ़े, इधर एक नंबर बढ़ा, मतलब एक का इंक्रीमेंट आया, फिर दो का होगा, फिर तीन का होगा, फिर चार का होगा। अगर यहां से यहां दो का इंक्रीमेंट आएगा, मतलब 11 में दो जोड़ेंगे तो 13, 13 का मतलब M, M में तीन नंबर जोड़ेंगे तो P आ जाएगा फिर। क्लियर, आगे फिर से वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है, नंबर बेस्ड कोडिंग बहुत आई है इसमें। तीन क्वेश्चन नंबर बेस्ड कोडिंग के थे, ये तीनों को ही सेकंड राउंड में सॉल्व करने, ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट का कोड गिवन है 11, ग्रैंड सेट का कोड गिवन है 11, मतलब दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स वेरी कर रहे थे, उन दोनों का कोड आपको 11 दे दिया गया। अब ये भी नहीं कह सकते कि इनकी पोजीशन वैल्यू का सम कर लेते हैं, अगर पोजीशन वैल्यू का सम कर लेते हैं 11 बनना चाहिए या किसी भी तरह से मोल्ड करके, तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम देते या सेम नेचर के लेटर देते, तो गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट वर्ड की बात करूं, पहला टास्क यही है, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, करके ही देख के पता चलेगा, ऐसे घूरने से पता नहीं चलेगा कभी भी क्वेश्चन को। चलो 16, 15, 9, 14, 20, ये देखिए 16 और 14 कितने हो गए, 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50 और 15 कितने हो गए, 65, 65 और 9 कितने हो गए, 74। अब कोड दिया गया है 11, क्या 74 11 का मल्टीपल है, नहीं है। बट ध्यान से देखो, अगर मैं इनके डिजिट्स को ध्यान से देखूं, सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है, 11, ऐसा हो सकता है 7 और 4 मिलके 11 बन गए। या तो आप इसको क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आओ जो पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 20 और 5 25, 25 और 23 कितना हो गया, 48, 48 और 18 कितना हो गया, 66, 66 और 9 कितना हो गया, 75। अगर ये 75 है तो 7 और 5 12 आपको ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो यहां पर सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम लेके फिर सम ऑफ डिजिट्स किया गया, डिजिटल सम मत बोलना, सम ऑफ डिजिट्स किया गया, क्योंकि डिजिटल सम क्या होगा, 11 का भी फर्दर 2, ये डिजिटल सम होता है, बट हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है सिर्फ, वो भी एक ही बार अप्लाई करते हुए। आगे देखिए, ओड वन आउट निकालना है तो डायरेक्टली यहां पर पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेके ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखना होता है। जैसे पहला लेटर ही कंपेयर करें, ध्यान से देखो, 1 से 13 12 नंबर बढ़ गए, 16 में 12 बढ़ा दो तो कितना हो जाता है, 28 का मतलब बी 2 ही होगा, 24 में 12 बढ़ा दो कितना होता है, 36, ठीक है। बट 36 को अगर सप्लिट करोगे तो 26 प्लस कितना हो जाता है, 10। दसवां प्लेस किसके लिए होता है, जे के लिए होता है, वो तो समझ में आई बात। तो मतलब कि आपका ओड वन आउट बी ऑप्शन होना चाहिए, एक बार इसे भी क्रॉस चेक कर लो, 11 में अगर 12 जोड़ दे तो 23, तो क्लियरली पता चल रहा है बी ऑप्शन आपका आंसर, यहां से यहां 12 का इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था आपको, ठीक है। चलो आगे, एनोलॉजी, हमेशा छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या तक ट्रैवल करना है, बहुत बार बता रखा है मैंने आपको। अगर मैं 9 से 47 बनाना चाहता हूं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 9 को अगर मैं 5 गुना कर देता हूं, 45 में 2 जोड़ दूंगा तो 47 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 18 का 5 गुना ले लूं, 90, 90 में 2 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 92। मतलब जो दूसरी संख्या आपको दी गई है हर एक पेयर में, उसके 5 गुना से 2 ज्यादा है पहली संख्या, तो यहां पर 2 ज्यादा है पहली संख्या दूसरी के 5 गुना से,
दो ज्यादा है ना, मतलब इसमें दो कम कर दो, कितना? अब 70 किसका 5 गुना है? 14 का 5 गुना है, मतलब यहां पर मिसिंग टर्म जो है वो 14 रहेगी। छोड़ो, हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल था। ओड वन आउट वर्ड के ऊपर बेस्ड है, करवाना जरूरी है। टिन, स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक। अब देखो, स्टील के अलावा बाकी जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारी क्या होती हैं? धातु, मेटल्स। ठीक है, अकेला स्टील ही है जो एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? आयरन और कार्बन का। ठीक है, साइंस से रिलेटेड था, पढ़ना पड़ेगा भाई। जीएस से रिलेटेड आपको ग्रुप एनोलॉजी, सॉरी वर्ड एनोलॉजी और वर्ड क्लासिफिकेशन आती है, मजबूरी है, सबको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर डाउट रहता है ऐसी सिचुएशन के ऊपर तो क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है, अगर आपको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो। ओके, चलो अगला देखिए। ये भी बिल्कुल सिंपल था, साइन कन्वर्जन्स करके डायरेक्टली आंसर देना था, तो करवाना बनता नहीं है, हो गया होगा। ये भी एम्बेडेड फिगर का पार्ट है। नेक्स्ट ये कर लेते हैं क्योंकि एंगल से रिलेटेड था। देखो, कहता ए अपने ऑफिस से संजय जो है 12 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है, देन ही टर्न 45 डिग्री राइट। अब 12 किलोमीटर सीधा चलता है, सीधा कौन सी डायरेक्शन में चलता है? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आप अपने एंड से कुछ भी एज्यूम कर लो। लेट अस सपोज वो 12 किलोमीटर अपने ऑफिस से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, यहां पर आके पहुंचा, फिर उसने दाई और 45 डिग्री का टर्न लिया। दाई और मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो राइट टर्न ले लेता 90 होता, सीधा चला जाता तो 0 डिग्री होता, हल्का सा मुड़ता है मतलब 45 डिग्री पे टर्न लेता है, मतलब यहां पर ट्रेवल कर रहा है अब। और उसने कितना ट्रेवल किया यहां से यहां तक? 8 किलोमीटर। उसके बाद फिर उसने क्या किया? टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया, बायां मोड़, दायां मोड़ हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। कितना ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। फिर से उसने एक बायां मोड़ लिया और 11 किलोमीटर ट्रेवल किया। बायां मोड़ लिया, 11 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब ये देखो, 8 है, 8 यहां तक लिया हमने, 3 और जोड़ दिया, हो गया 11। ठीक है, अब वो यहां पर आके पहुंचा। पूछा क्या गया है? इफ ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट एट लास्ट, अगर वो अंत में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा, तो हमें बताना है कि जब उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, जब वो ऑफिस से निकला था सीधा, तो वो कौन सी डायरेक्शन थी। अब हमें पता है ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो होती नहीं है, एक्चुअल में ये क्या होती है? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं होती। अगर इसको आपको नॉर्थ वेस्ट बनाना है, आपका एक्चुअल फ्रेम क्या है? नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट हो गया, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है? वेस्ट होता है। एक्चुअल तो हमें ये गिवन है, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट आपको नॉर्थ वेस्ट दिया गया है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट दिया गया है तो ये दोनों डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट होनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। अगर इसको आपको नॉर्थ वेस्ट बनाना है तो आपको फ्रेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर नॉर्थ इधर गिवन है, अगर इधर ले आता हूं, रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वेस्ट भी रोटेट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ये देखो, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। मतलब जो भी इन दी एंड रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना फ्रेम रोटेट करना होगा, या तो दक्षिणावृत्त दिशा में या तो वामावृत्त दिशा में। अब क्लियरली पता चल रहा है, जब वो ऑफिस से निकला था हमने स्ट्रेट डायरेक्शन ये ऊपर वाली ली थी, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? साउथ डायरेक्शन है। उत्तर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, नीड के हिसाब से फ्रेम रोटेट कर दीजिए। तो पहली डायरेक्शन आप कोई भी चूज कर सकते थे, इधर ले लो, नीचे की तरफ ले लो, आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग नेचर देख लो। 4 फिगर गिवन है, 5वीं फिगर डिटरमिन करनी है। तो जो चेंजेस पहली से दूसरे बनाने में फॉलो हुई है, वही सेम चेंजेस तीसरी से चौथी बनाने में फॉलो हुई होगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मेरी ये ट्रिक कॉपी कर ली है किसी ने, दुख हो रहा है मुझे वो वीडियो देख के। चलो बढ़िया यार, अगर छुपाने लायक होती फिर मैं YouTube पे थोड़ा डालता। बढ़िया, मौज करो, ट्रिक वैसे चोरी हो गई है मेरी। तो जो चेंजेस पहले से दूसरी बनाने में फॉलो हुई, वही तीसरे से चौथी बनाने में फॉलो हुई। चेक कर लो, पहले तो डॉलर कॉर्नर पे था, राइट साइड में आ गया। ठीक है, यहां पर भी 0 लेफ्ट पे था, राइट पे आ गया। 9 नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये देखो यहां पर परसेंटेज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सेम चेंजेस हो रही हैं, तो सिमिलर रूल को फॉलो करते हुए जैसे दूसरी से तीसरी फिगर बनी, वैसे चौथे से पांचवीं बना दो। दूसरी से तीसरी कैसे बनी? परसेंटेज राइट पे आ गया, तो यहां पर 6 राइट पे आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो।
बी ऑप्शन आपका बाहर निकला। उसके बाद देखिए दूसरे से तीसरा बना रहे थे ना, हाँ छह जो है वो सेंटर में आ गया, ये देखो यहां पर डॉलर सेंटर में आ जाएगा, डॉलर सेंटर में होना चाहिए, आपका ए ऑप्शन बाहर निकल गया। नौ और छह दोनों में कॉमन है, परसेंट जीरो की बात करते हैं, जीरो कहां पर अवेलेबल है, इस कॉर्नर पे, मतलब ये वाला एलिमेंट उठाओ, ये डॉलर कहां गया, हाँ जी डॉलर नीचे की तरफ आ गया, तो जीरो यहां पर नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ राइट कॉर्नर पे जीरो होना चाहिए, तो हमें वो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट राउंड में ही करिए, ऑल अंकल्स आर रिलेटिव्स, सभी अंकल रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो नेबर्स हैं, और सभी नेबर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, कहता कुछ नेबर्स जो हैं वो अंकल्स हैं, मतलब नेबर्स का कुछ पोर्शन अंकल के बीच में विजिबल होना चाहिए। अब ये नेबर का पोर्शन है, ये अंकल का पोर्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, गलत। सम अंकल आर एम्प्लॉयड, कुछ अंकल का पार्ट जो है वो एम्प्लॉयड है, फिर से अंकल का जब नेबर के साथ ही कोई कनेक्शन नहीं है तो एम्प्लॉयड के साथ क्या कनेक्शन होगा, गलत। सम रिलेटिव्स आर एम्प्लॉयड, कुछ हिस्सा रिलेटिव्स का एम्प्लॉयड है, ये जी बिल्कुल है, ये पूरा सर्कल देखिए एम्प्लॉयड का है, ये पूरा सर्कल देखिए किसका है, रिलेटिव्स का है, दोनों आपस में कॉमन पोर्शन शेयर कर रहे हैं, तो उत्तर क्या रहेगा, ओनली थर्ड फॉलो। अगर इसकी तरफ आप ना भी जाते तो डायरेक्टली ऑप्शन का रेफरेंस लग सकता था, पहला और दूसरा तो गलत है, ये एलिमिनेट, दूसरा तो गलत है ये एलिमिनेट, पहला भी गलत है ये एलिमिनेट, बचा कौन सा, सी ऑप्शन। अब ऐसे भी कर सकते थे अगर ऑप्शन का रेफरेंस लेके चलना है, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, ऐसे क्वेश्चन को चाहे छोड़ दो मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऑप्शन के थ्रू करना है, हर ऑप्शन में दिए गए सिंबल्स को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और अगर मजबूरी में अगर आपकी जिद है कि नहीं भाई फ्री के नंबर मिलते हैं करना है मुझे ये सॉल्व, फ्री के नंबर मिल जाएंगे दो, तो इसको सेकंड राउंड में हमेशा ट्राई कीजिए। प्रायोरिटी किसको देनी है, डिवाइड के साइन को फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को, तो डिवाइड का साइन कौन है, डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और बी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो पहले देखो ए किन किन पैरामीटर्स के बीच में है, ये देखो 113 भाग 4 फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, अगर 113 भाग 4 कर भी देते हैं तो साथ में कौन सा है, डी, मल्टीप्लीकेशन में 62 बैठा हुआ है, ये पक्का फ्रैक्शन आएगा, इसको एलिमिनेट करो, हमें तो न्यूमरल वैल्यू 428 चाहिए। और देखो ये 62 भाग 2 मल्टीपल है, 62 भाग 2 मल्टीपल है, बट इधर देखो 4/62 ये बना, और गुना में कौन बैठा हुआ है, 113, फिर से ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, आपका जो है सी ऑप्शन भी एलिमिनेट, बी और डी में से आपका एक आंसर है, ठीक है, बी और डी में से एक आंसर बनेगा। अब दोनों में देखो कॉमन चीजें क्या हैं, सी और डी की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, मतलब 113 गुना 4 पक्का आएगा अगर मैं बी और डी को प्रायोरिटी देके चल रहा हूं, तो आगे हमें पता नहीं है, फिर 62 भाग 2 पक्का आएगा, आगे हमें पता नहीं है, उसके बाद कौन लगा हुआ है 7, तो एटलीस्ट इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, 113 का 4 गुना, 4 का 10 गुना 100 गुना 400, 400 प्लस 52 452 हो गया, आगे पता नहीं है कौन सा आएगा, फिर 31 आ गया, आगे पता कौन सा आएगा, फिर आएगा 7, प्लस और माइनस की गेम है, रिजल्ट कितना चाहिए 428, तो आप खुद सोचो 452 में वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी, ऑब्वियसली बात है माइनस होगी, तभी 428 तक पहुंचेंगे, डिसाइड कर लो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस चाहिए या छोटी वैल्यू के साथ माइनस चाहिए, ऑब्वियसली बात है बड़ी वैल्यू के साथ, तो इधर आएगा माइनस इधर आएगा प्लस, समझ आ गई बात, माइनस 31 प्लस 7 कितना हो गया माइनस का 24, 452 में 24 कम करोगे 428 आ गया, मतलब के दूसरा सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनस को, मतलब डी पहले आना चाहिए, डी पहले आ रहा है इसलिए बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 25th क्वेश्चन, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ 6 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सारे इजी थे। मॉडरेट कैसे, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में जो दिया गया था, दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी बोल सकते हैं, नॉन वर्बल आ गया, इन चीज़ों को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। बढ़िया था मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड है, और बताइएगा सेक्शन में आपके अकेले रीजनिंग में कितना आपने स्कोर किया है आउट ऑफ 50, और ऐसे भी नहीं कि आपने सारे के सारे किए हैं, आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से जितने करेक्ट हैं वो भी आंसर में बता सकते हैं, और लालच में कभी मत आया करो कि आपको 25 के 25 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, जो भी आप स्कोर कार्ड शेयर करते हो ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में से जितने करेक्ट हैं उतना बताइए, अगर आपने अभी रीजनिंग फुल्ली प्रिपेयर नहीं की और आप लाइव मॉक देने चले गए, गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात होती है, वैसे ही अभी से ही आप मेंटली प्रिपेयर होके चल रहे हो, ठीक है।
कई क्या करते हैं भाई, सिलेबस जब तक नहीं होगा हम तो मॉक टेस्ट देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैरेलली देते रहो, इंप्रूवमेंट अपने आप आएगी। अगर सपोज आज के दिन आपने 5 टॉपिक कर लिए, मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं सिर्फ 13-14, हफ्ते बाद आपने देखा कि 8 टॉपिक कर लिए, नंबर आपके 20 तक आने लग गए, अगले 10-15 दिन के बाद आपने 13-14 टॉपिक कर लिए, मार्क्स बनने लग गए 35, इंप्रूवमेंट तो आती रहेगी ना अपने आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, प्रोग्रेस होती रहेगी, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, कि एटलीस्ट आपके इतने तो आ रहे हैं ना, समझ में आई बात। तो अगर आपने सपोज 25 में से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए ना, अगर 10 में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मतलब 20 नंबर हो गए, तो जितने भी उन 10 क्वेश्चन को सही करके आपके आंसर आए वो हमें कमेंट किया करो। ओवरऑल नहीं मैटर करता कि मैंने रीजनिंग में 41 नंबर लिए, आउट ऑफ कितने कितने मानू मैं, 50 में से ही लिए 41 नंबर, 45 44 में से लिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी तो बता दिया करो, हमें भी आइडिया होता रहे कि हाँ बच्चे कितनी एक्यूरेसी दिखा रहे हैं। नहीं तो आप गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हो, अगर आपके 38 नंबर आए हैं आउट ऑफ 50, मतलब 12 नंबर कैंसिल। ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन का सेट, जल्द ही मिलेंगे आप अपने अगले लाइव मॉक के साथ। टेक केयर।